सो हाई गाइज, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल सिविल। आज क्लास 20 में मैं आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज मैं थोड़ा लेट आया हूँ, 4 बजे का कहकर 4:30 बजे लाइव आ रहा हूँ। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी और क्षमा चाहता हूँ। आज हम इस क्लास के अंदर हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो एग्जाम्पल हमने वहाँ छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसलिए मैं आप सभी से करना चाहूँगा और बहुत ही नम्र विनंती करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे प्रीवियस क्लास को एक बार ज़रूर देख कर आइएगा। हम लोगों ने देख लिया होगा उसे, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि उस क्लास के अंदर मैंने जो करवाया है बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरह से करवाया है इन सब चीज़ों के बारे में कि भाई आई जेड जेड क्या होता है, किस तरह निकाला जाता है, Y1 Y2 H1 H2 वगैरह, जो एरिया वगैरह होता है, YMX वगैरह होता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं जो आपके कन्फ्यूजन ही सर डाउट ने लास्ट लेक्चर में इसको दूर कर लिए थे। अब हम उसके आगे बढ़ चुके थे, हमने इलास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस को निकाल लिया था, अब हम प्लास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस की ओर आगे बढ़ चुके थे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले ज़रा मैं आपको थोड़ा सा एक क्विक रिविज़न करवा देना चाहता हूँ कि हमने अब तक क्या किया है। हमने जो सवाल में दे रखा था उस सवाल का हमने सबसे पहले तो उस सवाल के अकॉर्डिंगली लोडिंग कैलकुलेशन जो होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम वी लोड वगैरह वो निकाल लिए थे। ठीक है, अंजलि कह रही है कि सर मैंने इससे पहले वाले क्लास देखा देखे हुए हैं। अच्छा ठीक है, जो यूट्यूब पे है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। मैं हमारे इस लाइव क्लासेस की बात कर रहा था बाय द वे। कोई कोई बात नहीं, आपने देखा है तो आपको डाउट नहीं होगा फिर। ठीक है, और मैं ये उस खास उसलिए मैंने उन लोगों के लिए कहा जिन लोगों को इसके अंदर डाउट था और डाउट है। ठीक है, तो कंटिन्यू डायरेक्ट यहाँ से ना करें, प्रीवियस क्लासेस जो हमारे उनको एक बार देख के आए। तो मैं कहाँ था, हाँ हमने पहले मैक्सिमम व्हील लोड वगैरह निकाल लिया, हमने उन बेसिस के उस बेसिस के ऊपर हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल ली, हमने मैक्सिमम शियर फोर्स निकाला, हमने जो सर्ज लोड था, जो हमारे पास जो ब्रेकिंग फोर्स था ये वो अलग हमने उसको निकाल लिया, और उसकी वजह से जो वर्टिकल सॉरी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो मोमेंट वगैरह आ रही थी वो हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक सेक्शन को सिलेक्ट किया। सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद हमने उस सेक्शन के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें थी, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर हमने जो है IY IZ और ZP, अब जो मतलब हम निकाल रहे थे, ये जो आपका IYY IZZ और स्टेप का नाम है ना, आप इस नाम को जो है बदल के कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस एंड प्लास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस भी रख सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस एंड प्लास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको ऐसा, क्योंकि इस पूरे स्टेप के अंदर हम करने वाले क्या हैं, हम करेंगे एक तो इलास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस, मैंने आपको बताया था ये हमारे प्रीवियस इसमें ही, कि हम इस पूरे स्टेप के अंदर निकालते क्या है एक्चुअली, हम निकालते हैं एक तो ZEZ मतलब इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस इन ZZ एक्सिस, हम निकालते हैं ZEY मतलब इलास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस इन Y एक्सिस, हम निकालते हैं ZPZ मतलब इलास्टिक प्लास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस इन जेड एक्सिस, और हम निकालते हैं आखिर में ZPY मतलब प्लास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस इन वाई एक्सिस। ये हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब हम मोमेंट वगैरह चेक करेंगे इसके अंदर, मोमेंट कैपेसिटी वगैरह इसकी, तो इन चारों चीजों का हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। दैट्स वाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस ऑल फोर थिंग्स। ओके, तो हम इस स्टेप का नाम रख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ ZPZ और ZP मतलब कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। सिंपल, आप इतना यहां पर रख सकते हो, ZE एंड ZP आप रख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ ZE ZP। चलिए, तो ZE हम निकाल रहे थे पहले, मैंने आपको बताया था कि ZE का जो फॉर्मूला था वो क्या था, ZE का फॉर्मूला था हमारे पास IZZ डिवाइड बाय YMAX। ठीक है, तो हमने IZZ निकाल लिया था। IZZ क्या था हमारे पास, कि भाई दो सेक्शन हमारे थे, दो ये हो रहे थे हमारे ऊपर नीचे अलग अलग सेक्शन दोनों भी, तो हमने पहले IZZ1 निकाला, IZZ2 निकाला। ठीक है, IG+AH² वाला फॉर्मूला लेकर, ठीक है, ये हम इसको पैरेलल थियोरम कहते हैं। ठीक है, पैरेलल ट्राइंगल थियोरम कैसे कुछ कहते हैं इसको, जो भी है मैथमेटिकली वो अपन थोड़े इसमें वीक है तो अपन को मालूम, पैरेलल थियोरम इसे कहते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थियोरम शायद, तो ये इस थियोरम का इस्तेमाल करके, क्योंकि बेस पे हम निकाल रहे थे, तो IG+AH² का फॉर्मूला हमने रखा था IZ, और हमने इसका निकाला IZZ2 निकाला, हमने टोटल IZZ निकाल लिया। उसके बाद YMAX किस तरह से निकाला जाता है, मैंने आपको वो के अंदर समझाया था कि A1 Y1 + A2 Y2 डिवाइड बाय A1 + A2 हमने निकाल लिया। A1 Y1 वगैरह क्या थे मैंने आपको वहां पर अच्छी तरह से समझा दिया था। फिर हमने क्या किया कि ZE निकाल लिया, मतलब इलास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस इन Z डायरेक्शन। IZZ निकाला था ना, तो IZZ मतलब इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस इन Z डायरेक्शन हमने निकाल लिया था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने ZEY निकाला था, मतलब जो हमारा Y डायरेक्शन में जो इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस था वो, ठीक है, वो भी मैंने आपको निकाल के बता दिया
लिया था आपको समझ में आ जाना चाहिए लास्ट जो हमने एग्जाम्पल किया था उसके अंदर, ठीक है। तो हमने वाई डायरेक्शन के अंदर भी ये निकाल लिया था। अब हम बात कर रहे थे कि प्लास्टिक सेक्शन के बारे में, हम कहाँ पहुंचे थे, प्लास्टिक सेक्शन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको इलास्टिक सेक्शन तक सब होगा। यस और नो में मुझे अपना जवाब दीजिए और मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए। हरि अब हम आगे बढ़ेंगे प्लास्टिक सेक्शन की ओर। सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपने देखा है यहां तक? तो नहीं देखा है तो प्लीज आप प्रॉब्लम मुझे मत पूछिए, आप पहले उन क्लासेस को देखिए एक बार, वीडियोस को, फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है फिर आप मुझे पूछिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं प्लास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस की ओर। तो मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि प्लास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस जो होते हैं ना वो एक्चुअली होते क्या है, दैट इज नथिंग बट एरिया इनटू सीजी, पर्टिकुलर सेक्शन का एरिया इनटू उसके होते हैं प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस, ठीक है। तो प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस क्योंकि एरिया की यहां बात आ रही है तो हमें क्या करना होता है कि पूरे पूरे कंबाइन सेक्शन को हमें एक ऐसी एक्सिस से डिवाइड करना होता है जिस एक्सिस से जो है दोनों तरफ इक्वल एरिया हो रहा है, मतलब एक ऐसी एक्सिस जो दोनों पूरे कंबाइन सेक्शन को इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही है उसे हम नाम देते हैं इक्वल एरिया एक्सिस, जो मैंने आपको कल देके दिखाया था, दिस इज नथिंग बट इक्वल एरिया एक्सिस, ठीक है। इसे हम ES करते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे इक्वल एरिया एक्सिस, जो ऐसी एक्सिस है कि पूरे पूरे कंबाइन सेक्शन को दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है विद रिस्पेक्ट टू देयर एरियाज, ठीक है। इसका एरिया और इसका एरिया दोनों सेम रहेगा। तो अब ये हमने इक्वल एरिया एक्सिस निकाल ली है, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे ZP का तो एरिया इनटू CG हम करेंगे तो यहीं से हमें CG को कंसीडर करना होगा पर्टिकुलर सेक्शन की इक्वल एरिया एक्सिस से, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होता है कि भाई ये जो हमारे पास DP है, अभी जरूरत आपको कहां पड़ेगी मैं आपको बता देता हूं। डीपी मैंने वैसे तो आपको कल बता दिया था किस तरह से निकालना है, फिर से एक बार दोहरा देता हूं कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको, ठीक है। डीपी क्योंकि हमें अभी जरूरत इसकी कहां पड़ेगी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हमें डीपी होती क्या है, तो डीपी इज नथिंग बट हमारा जो आई सेक्शन का सीजी है, ये हमारा जो ZZ है ना, ये हमारा आई सेक्शन का सीजी है पूरा, ठीक है। और आई सेक्शन का सीजी और इक्वल एरिया एक्सिस के बीच का डिफरेंस दैट इज नथिंग बट डीपी। इसका क्या महत्व है, क्यों हमने निकाला है, वो आपको आगे मैं कैलकुलेशन के अंदर बताऊंगा तो आपको और चीजें क्लियर हो। नीड टू कैलकुलेट डीपी ओवर हियर, ठीक है। चलिए तो डीपी को आप निकाला, डीपी क्या होता है कि भाई इट इज द डिफरेंस बिटवीन और डिस्टेंस बिटवीन इक्वल एरिया एक्सिस टू द एक्सिस ऑफ आई सेक्शन, ठीक है। अब डीपी किस तरह से निकाला जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, दो आपके एरिया से ऊपर नीचे के आपको दोनों को इक्वेट करना है, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग टू फाइंड आउट द डीपी। और यही मैंने यहां पर कर रखा था, यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हमने किया था कि ये हमारे पास जो आ रहा था एरिया, ये था एरिया AI, मतलब AI मतलब क्या था, एरिया ऑफ, तो एरिया ऑफ आई सेक्शन, क्योंकि हम इससे यहां से डिवाइड कर रहे हैं, हमने हमारा आई सेक्शन जो है वो यहां से आधा हो जाएगा पूरा, हम क्या कर रहे हैं आई सेक्शन को यहां से आधा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये A/2 हो गया नीचे वाला हिस्सा पहले, AI/2, ठीक है। प्लस यहां हमें जाना है, हमें यहां पर जाना है तो प्लस डीपी इंटू टी करना पड़ेगा, प्लस डीपी इंटू टी, ठीक है। ये एरिया हो रहा है तो प्लस डीपी इंटू टी हो गया, इज इक्वल टू, यहां तक हम पहुंच गए, अब इज इक्वल टू ये एरिया, इज इक्वल टू ये एरिया, मतलब यहां से ये एरिया AI - AI/2 AI हम मतलब यहां से लेकर यहां तक पहुंच जाते हैं ठीक है AI मतलब यहां से लेकर यहां तक पहुंच जाते हैं क्योंकि हमने जो DP है ये ऑलरेडी यहां ऐड कर रखी है DP हमने जो है ये ऑलरेडी ऐड में DP into T माइनस करना होगा इसने के लिए DP into T माइनस करना होगा ठीक है तो हमने क्या किया कि माइनस DP into T कर दिया और प्लस ये आपका जो चैनल सेक्शन है उसका एरिया AC कर दिया हमने, प्लस AC हमने कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये दोनों एरियाज जो है इक्वेट करने हैं। अब इसमें से करना क्या होता है, आपको थोड़ा मेलजोल करना होता है, हमारा बहुत बेसिक सा होता है वो आपको अप्लाई करना है भाई इससे ये कैंसिल हो गया कट हो गया ठीक है उसके बाद ये DP into T DP into T जो बचा तो DP into T इस तरह से बचा DP into T यहां पर इस तरह से आ गया ठीक है देख लीजिएगा ये मैंने DP को बाहर कॉमन निकाल लिया तो अंदर 2T बचेगा और DP को मैंने सब्जेक्ट बना दिया तो AC by 2T बनेगा ठीक है ये आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता तो लिख लीजिए, अगर डाउट होता है तो मुझे पूछ लीजिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमने डीपी की वैल्यू जो है वो किस तरह से निकाली है, ठीक है। चलिए तो डीपी की जो वैल्यू है मैंने बताया आपको कि डीपी इज इक्वल टू होता है AC/2T। अच्छा एरिया ऑफ चैनल सेक्शन को बताएगा मुझे कितना है, मैं दे रखा है ऑलरेडी एरिया ऑफ चैनल सेक्शन कितना है। कैन एनीबॉडी आंसर दिस क्वेश्चन कि एरिया ऑफ चैनल सेक्शन हमें कितना दे रखा है, जल्दी करो जरा हरी अप, एरिया ऑफ चैनल सेक्शन हमें कितना है। और इतनी जल्दबाजी मैं कर रहा हूं मतलब के खत्म हो जाए, मेरा टारगेट था कि कल तक ये जो है हमारा गैंट्री गर्डर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप लोग इसके अंदर मेरे साथ नहीं दे रहे थे इसलिए गैंट्री गर्डर इतना खींचा जा रहा है, ठीक है। 4564 ओके, तो 4564 इज द एरिया सेक्शन इंटू 2 × 12 मतलब थिकनेस हो गया। अब मुझे डीपी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही है, जल्दी करो
डीपी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही है इसके अकॉर्डिंगली। अच्छा ये कुछ फिल्टर्स यूट्यूब में हैं, आपको कौन सा फिल्टर अच्छा लगता है जरा बताइए मुझे। तो दिखाई दे रहा है सब कुछ बोर्ड में दिखाई दे रहा है, फिर धुंधला धुंधला लग रहा है आपको, जरा बताइए मुझे, कोऑपरेट कीजिए थोड़ा सा, धुंधला दिख रहा है कि फिर मुझे आपको अच्छा दिख रहा है ये। रिप्लाई फास्ट, इसमें मैं थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा हूं बस। बाकी बोर्ड कैसा दिख रहा है ओवरऑल आपको? नो सर चेंज इट, ओके ठीक है चेंज कर देते हैं अपन, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अपन ऐसे ही मजाक कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे इसको, ये जो है नहीं रखना है अपनों को, ठीक है कोई नहीं रखना है अपनों को, यही सिंपल चीज है, ओरिजिनल इज बेस्ट। चलो तो क्या थे हम लोग? हाँ तो आपका जवाब कुछ आ रहा था, मैंने आपका जवाब देखा 190.166 mm, ठीक है आपका डीपी की वैल्यू आ रही थी 190.166 mm, ठीक है मतलब ये जो डिस्टेंस हो गया आपका ये 190.166 mm हो गया, ठीक है इससे आपको ये समझ में आ जाता है हमने डीप लिया। ओके अब हम चलते हैं आगे हमारे जेडपी कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है तो जेडपी के लिए हमें क्या करना होगा जरा इसके लिए हम बात कर लेते हैं, चर्चा कर। मैंने आपको बताया ZP जो होता है ना वो होता है एरिया इंटू CG, नथिंग एल्स, ओके सिंपल होता है एरिया इंटू CG हमारा ZP होता है, ठीक है। चलिए तो हम पहले काम करते हैं बॉटम जो एरिया है पहले, मतलब क्योंकि ये जो हमारी एक्सिस है न्यूट्रल एक्सिस है हमारी, ठीक है ये हमारी कैसी एक्सिस है? इक्वल एरिया एक्सिस है, तो इक्वल एरिया एक्सिस से नीचे वाला निकालेंगे, ठीक है और इक्वल एरिया एक्सिस से ऊपर वाला निकालेंगे, हम इसको ZP1 कह देते हैं, इसको हम ZP2 कह देते हैं, या इसको अगर आपको ZP1 कहना है तो भी कह लीजिए, तो दोनों एक ही हो जाएगा, वो आपके ऊपर होता है, ठीक है। चलिए क्या करेंगे अब हम निकालते हैं ZB की कैलकुलेशन। ओके सब लोग तैयार हो आप लोग? चलिए तो अब हम ZP की वैल्यूज निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं ZP1 क्या होगा, यहां पर ZP1 जो है वो क्या होगा, तो हमारे पास यहां न्यूट्रल एक्सिस से नीचे कितने सेक्शंस होंगे, एक तो हमारा होगा ये बॉटम फ्लेंज और दूसरा होगा ये वेब आधा, ठीक है आई सेक्शन का, तो इसके लिए बॉटम फ्लेंज का सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, तो बॉटम फ्लेंज का एरिया कितना होगा, हमें पता है कि बॉटम फ्लेंज की जो विड्थ है वो 210 mm की है, उसकी जो थिकनेस है वो 20.8 mm की है, ठीक है हमें पता है ये। ओके तो चलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 210 into 20.8 into, इसकी सीजी कितनी होगी, अब तो सीजी कहां से आपको निकालनी पड़ेगी, सीजी इस न्यूट्रल एक्सिस से आपको, सॉरी इस इक्वल एरिया एक्सिस से इस फ्लेंज की सीजी तक, इक्वल एरिया एक्सिस से इस फ्लेंज की सीजी तक आपको डिस्टेंस निकालना होगा। अब ये कैसे डिस्टेंस निकलेगा आपका, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल चीज है, हमें पता है अच्छी तरह से कि हमारा जो ये डिस्टेंस था आई सेक्शन का आधा, क्योंकि आधा ये जेड जेड क्या है, आई सेक्शन की सेंट्रल एक्सिस है, तो और हमारा आई सेक्शन पूरा 600 डेप्थ का है, मतलब सेंटर क्या होगा उसका, आई सेक्शन का 300 हो जाएगा, यहां से यहां तक है, और 300 प्लस 190.166 कर दो तो आपको ये जो है आपके इसकी यहां तक की बॉटम तक की डिस्टेंस मिलेगा, मतलब कितना हो जाएगा यहां तक का, अगर हम देखें यहां बॉटम तक, ठीक है तो ये कितना होगा 300 मतलब 490.166, ठीक है ये आपको कितना मिलेगा यहां तक, आपको 490.166 मिलेगा, लेकिन हमें फ्लेंज के सेंट्रल ऑफ फ्लेंज हमें चाहिए, सेंट्रल एक्सिस फ्लेंज की, तो 20.8 मतलब 10.4, ठीक है हमने करना क्या होगा कि 490, देखिए बताता हूं आपको, इनटू 20.166 माइनस 20.8 डिवाइड बाय 2, दिस विल बी द ZP1 फॉर दिस फ्लेंज, समझ आई बात है मेरे आपको, तो चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए मुझे बताइए कितना, एक मिनट चला चलो बताइए मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए, आपको समझ में आया नहीं आया जरा मुझे वो भी बता दीजिए कि भाई हमारा जो ये आई सेक्शन है इसका कितना आ रहा है, ये आंसर मुझे बता दीजिए, उसके बाद हम इसके अंदर एडिशन करेंगे आई सेक्शन का, यहां तक सब कुछ क्लियर है तो बता दीजिए मुझे। हरी अब कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए मुझे,
आर यू गाइस कैलकुलेटिंग इट और नॉट, या फिर मैं कंटिन्यू कर दूं इसको? चलिए इसका तो जो भी आंसर आएगा इसका क्लियर है, ठीक है आपको, मतलब अभी मुझे जवाब मिला आपका। 20.8/2 क्यों किया? 20.8/2 इसलिए किया बिकॉज हमारा जो ZP होता है वो होता है एरिया इंटू CG ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट फ्रॉम द न्यूट्रल, सॉरी इक्वल एरिया एक्सिस। मतलब क्या है कि इस कंपोनेंट का एरिया इंटू यहां इक्वल एरिया एक्सिस से इसकी सीजी तक का डिस्टेंस, इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, इक्वल एरिया एक्सिस से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है, इसका एरिया इंटू यहां इस एक्सिस से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस। इसका सेंटर कितना होगा? तो 20, क्योंकि इसकी पूरी थिकनेस है 20.8, तो सेंटर कहां पे होगा? 20.8/2, इसलिए मैंने इसको 20.8/2 किया, ठीक है। और माइनस मैंने क्यों किया? क्योंकि हम यहां तक जो हमारा 490.16 था, माइनस हमको यहां पर सेंटर पे जाना है, पहुंचना है, तो हमने इसकी थिकनेस को हाफ माइनस करना है, तो दैट इज द थिंग दैट आई डन हियर, ठीक है। चलिए तो यहां पर जिगर का जवाब आ चुका है, खैर जो भी आपका जवाब आ रहा है 2.095 × 10^6, ठीक है, तो ये आपका जवाब आ रहा है, इतना 2.0 कितना आ रहा है? 2.095, मुझे उम्मीद है आप सभी का जवाब आ रहा होगा, × 10^6, ठीक है, ये आपका जवाब। प्लस इसके अंदर क्या करना है आपको, ये जो आपके न्यूट्रल सॉरी इक्वल एरिया एक्सिस है इसके नीचे का जो आपका वेब सेक्शन है, ठीक है, आधा, तो वो आपको यहां पर उसका एरिया भी निकालना होगा। तो वो किस तरह से निकाला जाएगा? प्लस करना है आपको क्या, तो वहां पर आपका जो उसका पहले तो थिकनेस कितनी है उसकी, थिकनेस 12 mm है उसकी, इंटू उसका एरिया, ठीक है, थिकनेस हमने ली, इसकी यहां से यहां तक की डेप्थ कितनी होगी, अब यहां से यहां तक की डेप्थ कितनी होगी, अब तो सिंपल चीज हमें पता है, यहां से बॉटम तक की डेप्थ जो है वो 490.16 है, कितनी है? 490.166 है, ठीक है, यहां तक की, माइनस फ्लेंज कर दो मतलब 20.8 कर दो, तो ये आपको क्या मिला, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल गया इसका, यहां से यहां तक का हमें जो है डिस्टेंस मिल गया। गॉट इट, समझ में आ रही मेरी बात आपको? सर कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना कीजिए, आप डायरेक्ट बुक में से लिख दीजिए, ठीक है, तो आप सभी चाहते हो ये मैं डायरेक्ट बुक में से लिख दूं? मैं आपको कैलकुलेशन इसलिए करवाता हूं ताकि आपका प्रेजेंस यहां बना रहे, आप यहां पर इस चीज को अच्छी तरह से प्रैक्टिस के तौर पर करें, ठीक है, सिर्फ देखने के लिए नहीं, मैं आपको बताता हूं कि देखो और सीख जाओगे आप, मैं इसलिए कैलकुलेशन करवा, लेकिन आप अगर सब चाहते हो कि सर मैं आपको कैलकुलेशन नहीं कराऊं तो मैं कैलकुलेशन करवाना ही बंद कर देता हूं, मैं डायरेक्ट यहां पे वैल्यू सारी बुक से ले लेता हूं। इफ यू आर एग्री विद दिस, बताइए मुझे आपकी क्या राय, सभी लोगों की राय क्या है जल्दी बताइए, चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग जो है कैलकुलेशन नहीं करने वाले, तो फिर मैं सुमंत कह रहे ओके सर, बट ओके व्हाट, मैं कैलकुलेशन करवाऊं या नहीं करवाऊं? सुमंत बताइए, क्योंकि आप जिगर के जिगरी दोस्त हो तो आप शायद जिगर के ही जवाब दोगे मुझे, तो मुझे आपका जवाब पता है शायद। बाकी लोग क्या कहते हैं, मिहिर, अंजलि, राजू, बाकी लोग क्या कहते हैं बताइए चलिए फटाफट। एग्री, तो मतलब आप ये चाहते हो कि मैं आपको यहां पर इस तरह से कैलकुलेशन करके नहीं बता, सर मैं अपने हिसाब से लिख लूं यहां पर जो बुक में दे रखा है, ठीक है, दैट इज ऑल द थिंग दैट यू गाइस वांट। चलिए तो कोई बात नहीं, तो मैंने क्या किया आपको कि भाई 490 ये तो मुझे करना पड़ेगा ना कि कौन सी वैल्यू कहां से माइनस हो रही है, कि ये भी आप समझ जाओगे, ये भी आप समझ जाओगे कि ये कैसी वैल्यू आ रही है, कौन सी बताइए मुझे अपनी राय। तो 12 इंटू मैंने क्या किया, इसकी थिकनेस इंटू इसकी डेप्थ यहां तक मिल गई मुझे, ठीक है, इसकी थिकनेस इंटू इसकी डेप्थ यहां तक मिल गई, इसकी सीजी क्या होगी, नो वॉट विल बी इट्स सीजी, तो सीजी क्या होगा इसका, सिंपल चीज है, ये पूरा जो सीजी है आपका इसका डिवाइड बाई 2 कर दो, सीजी जो उसका होगा, अब सीजी कितनी होगी उसकी, सीजी कितनी होगी इसकी, तो हमें पता है इंटू करना होगा हमें 490.166 माइनस पूरा 20.8, मतलब हम आ गए फिर से डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये उसका सीजी हो जाएगा हमारे वेब का, समझ आ रही बात है आपको, ठीक है, इस तरह से यहां तक ये सीजी हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। प्लस हाँ इतना हो गया हमारा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमने क्या किया, सर इंपॉर्टेंट है वो कराना बाकी चलेगा, ठीक है, ठीक ओके, तो हमने इसमें कर लिया भाई कि ये सीजी किस तरह से निकालनी है, किस तरह से एरिया कैलकुलेट करना है, और ये बॉटम का जो एरिया था आपका, ठीक है, मतलब हमारा जो इक्वल एरिया एक्सिस है इससे बॉटम वाला जो एरिया पूरा है उसका जो ZP है वो हमने यहां पर निकाल लिया। इस ZP का जो बॉटम का जो ZP है उसका जवाब आ रहा है 3.417
इंटू 10^6 mm^3 मतलब क्यूब mm^3 ठीक है सर, एक्सप्लेन कर दो स्टेप्स, कैलकुलेशन के आंसर्स लिख दो बुक में से, ठीक है ओके चलो कोई बात नहीं। तो आप सब राजी हो तो मैं भी राजी हूं इसके अंदर, ठीक है। चलिए तो मैं कहां था, हाँ हमने क्या किया कि इस तरह से एरिया इंटू सीजी कैलकुलेट किया और ZP1 निकाल लिया, ये जो बॉटम के हिस्से में था। अब हम बात करते हैं टॉप वाले पोर्शन के अंदर, ZP2 की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद ZP1 प्लस ZP2 कर देगा तो आपको ZP टोटल मिल जाएगा अलॉन्ग जेड एक्सिस, ZPZ आपको मिलेगा ये, ठीक है। उसके बाद ZPY हमें निकालना होगा एंड देन वी विल गो फॉर मोमेंट चेक एंड शियर चेक, ओके। चलो तो हम क्या करेंगे, अब ZP हमने 1 निकाल लिया, ZP2 निकालते हैं हम लोग। ZP1 में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा मुझे, ZP2 की ओर बढ़ते हैं आगे, वैसे तो बहुत सिंपल चीज है सब कुछ। चलिए हाँ तो ZP2 की बात करते हैं, ठीक है ZP2 की बात करते हैं। तो ZP2 के अंदर क्या क्या है मैं बता दूं आपको पहले, ZP2 के अंदर सबसे पहले तो चैनल है, फ्लैंज है और शंका का आधा पोर्शन है, ठीक है। तो हम पहले तो क्या करेंगे, चैनल की बात कर लेते भाई, चैनल हमारा क्या होगा ZP इसका। तो चैनल का जो एरिया है वो हमें पता है, चैनल का टोटल एरिया में दे रखा है, कितना दे रखा है चैनल का एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ चैनल कम ऑन। अच्छा चलो मैं लिख देता हूं, तो 4564 हमें चैनल का एरिया ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब चैनल का एरिया होगा, अब ये जो इक्वल एरिया एक्सिस से, इस एक्सिस से चैनल सेक्शन की सीजी कितनी होगी, इस एक्सिस से चैनल सेक्शन की सीजी कितनी होगी हमें ये पता करना होगा, ठीक है। और चैनल सेक्शन की सीजी कहां होती है, तो ये हमें यहां पर इट इज द सीजी ऑफ होल चैनल सेक्शन, ठीक है ये पूरे चैनल सेक्शन की सीजी है। तो हमें क्या अल्टीमेटली क्या पता करना है, हमें ये जो डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस हमें पता करना है, ठीक है ये डिस्टेंस हमें पता करना है। हमें एरिया पता चल गया इसका इनटू हम इसकी सीजी की बात करेंगे, तो पहले तो ये जान लेते कि ये एरिया ये डेप्थ कितनी है, ये हमें पता करना, ये तो उसकी सीजी होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा जो ये टोटल इतना हिस्सा है, ठीक है टोटल हमारा इतना हिस्सा, देखो इसके कई कई तरीके हो सकते हैं, तो ये 300 है ऊपर से और जो यहां तक है ये 300 है, ठीक है ये 300 है ओके। तो हम कह सकते हैं कि अब अगर हमें यहां आना है ठीक है, यहां हमें देखना है तो क्या होगा, 300 माइनस 190.166 हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा इतना। उसके बाद हम यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है हमें फिर यहां तक जाना होगा। उसके बाद हम रिटर्न लौट के यहां पर आएंगे, ये एक्सिस पर, ठीक है मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा मैं किस तरह से आपको करवा रहा हूं, ओके सिंपल लॉजिक है, आप भी अपने हिसाब से कर सकते हो। हमें अल्टीमेटली आना यहां पर है, बस ये जो एक्सिस है इसकी सीजी और यहां इसके बीच का डिस्टेंस हमें चाहिए। तो यहां तक जो है हमने देख लिया, ये आंसर है हम क्या करेंगे इसके अंदर प्लस, ये जो थिकनेस है वेब की जो कि 7.6 mm है, तो हम यहां तक पहुंच गए, ये टोटल जो वैल्यू आएगी उसके अंदर से माइनस कर दो 23.6 की वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा कि यहां से यहां तक का हमें डिस्टेंस मिलेगा। समझ आ रही बात है मेरी आपको कि नहीं आ रही है, बातें नहीं आ रही है, यस और नो, हरी अप गिव मी आंसर, बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर सब कुछ ऊपर से जा रहा है। ये सिर्फ आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, एक बार आप समझ जाओगे तो आप इस एग्जाम्पल को बड़ी आसानी से फ्लोलेस तरीके से कर पाओगे, बस समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है जरा मुझे रिप्लाई करके फटाफट बता दीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि ये हमने जो है किस तरह से निकाला आई सेक्शन का सीजी। नहीं सर नहीं आ रहा, ठीक है नहीं सर आ रही है, मतलब सुमंत को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, पहले आप जो है वो समझ मतलब समझ लीजिए पहले क्या है, ठीक है मैं आपको फिर से बता दूं। चलो तो क्या है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया शायद ZP2, ठीक है मैं आपको फिर से मैं समझाता हूं, ठीक है। ZP क्या होता है, ZP2 क्या है कि इट इज द मोमेंट प्लास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस अबो इक्वल एरिया एक्सिस। ZP2 अबो इक्वल एरिया एक्सिस जो है आपके कौन कौन से मेंबर्स है, एक तो चैनल सेक्शन है, फ्लैंज है और ये आई सेक्शन का हाफ हिस्सा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चैनल सेक्शन की सीजी और एरिया ले लेते हैं। तो चैनल सेक्शन का जो एरिया है वो 4564 आपको दे रखा है आईएस कोड या स्टील टेबल के अंदर। इसकी सीजी कितनी होगी, सीजी कहां से हमें लेनी है, तो सीजी जो हमारा इक्वल एरिया एक्सिस है, इक्वल एरिया एक्सिस से हमें इसकी सीजी पर जाना है, मतलब ये इसकी सीजी हमें दे रखी है यहां तक कि भाई ये आपकी जो चैनल सेक्शन है यहां तक, मतलब ये इसका मैं बताता हूं आपको, ये टॉप है हमारा चैनल सेक्शन का,
तो चैनल सेक्शन की सीजी यहां तक 23.6 है, ये हमें आईएस कोड में दे रखा है, ठीक है, कि भाई आपकी चैनल सेक्शन की सीजी कहां पे लाई करती है, पूरे सेक्शन की 23.6 के अंदर, ठीक है। चलिए तो अब हमें क्या करना है, हमें हमारे पास ये डिस्टेंस, हमें क्या करना है, हमें ये डिस्टेंस ढूंढना है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रल एक्सिस एंड सीजी ऑफ चैनल सेक्शन, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन दिस इक्वल एरिया, सॉरी इक्वल एरिया एक्सिस एंड सीजी ऑफ चैनल सेक्शन, ठीक है। इस बात को समझिएगा, मैं ध्यान से लीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं आपको, ठीक है। ऊपर ऊपर आप समझने को बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ा डीप कंसंट्रेशन करना होगा इसके अंदर। तो इक्वल एरिया एक्सिस से इस चैनल सेक्शन की जो एक्सिस है उस तक का डिस्टेंस हमें चाहिए। अब वो डिस्टेंस किस तरह से निकाला जाएगा, तो हमें देखो मैं जरा इसको क्लीन कर देता हूं थोड़ा सा आपके लिए, और फिर से मुझे समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए ये जो है हमारा इस तरह से फ्लैंज था, ये फ्लैंज था, और ये इस तरह से कुछ हमारा यहां पर चैनल सेक्शन था, ठीक है, चैनल सेक्शन था, ओके। इसकी जो ये एक्सिस आ रही थी ना, ये जो एक्सिस आ रही थी हमारे पास, ठीक है, तो ये एक्सिस आपका जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये डिस्टेंस आपको ऑलरेडी आईएस कोड में दे रखा है, दैट इज 23.6, और ये आपके पूरे चैनल सेक्शन की सीजी या न्यूट्रल सीजी है, पूरे चैनल सेक्शन का सीजी है आपका, ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। हमारा ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस हमारे पास, इसे हम कहते हैं इक्वल एरिया एक्सिस, क्या कहेंगे इसे हम, इक्वल एरिया एक्सिस, ठीक है, इक्वल एरिया एक्सिस कहेंगे इसे हम, ओके। हमें डिस्टेंस चाहिए इक्वल एरिया एक्सिस से इसके सीजी तक का डिस्टेंस, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। हमारे पास ये डिस्टेंस अभी नहीं है, हमें पता भी नहीं है किस तरह से, तो अब क्या करेंगे हम लोग, हमें हमारे पास कुछ रेफरेंस पॉइंट कैसे हमारे पास, जैसे हमें पता है कि ये हमारा जो एक्सिस है जेड जेड का, ये कहां पर है, ये बॉटम से 300 और ये आई सेक्शन के टॉप से 300 में, ठीक है, क्योंकि ये सीजी ऑफ आई सेक्शन हमारा है, मतलब ये यहां से लेकर, ये मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो यहां है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 300 का है, कितना है, 300 का है, ठीक है। तो अगर मुझे यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, अगर मुझे यहां, ये जो हमारी इक्वल एरिया एक्सिस है, इक्वल एरिया से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, तो कितना होगा, तो ये 300 माइनस 190.166 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, कितना होगा, 300 माइनस 196 पॉइंट, मैं गिन लेता हूं, चलो 300 माइनस 196 पॉइंट, सॉरी 190.166 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 109, कितना हो जाएगा, ये 109 हो जाएगा, तो ये 109 हमारे पास यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे, हमें टॉप में जाना होगा, हमें रेफरेंस के लिए क्या करना होगा, इसके टॉप में जाना होगा, तो हम प्लस 7.6 कर देते हैं, मतलब प्लस 7.6 हम कर दे, तो अब हमारे पास जो डिस्टेंस आ गया, कहां तक का डिस्टेंस आ गया, तो ये न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फ्लैंज तक का डिस्टेंस हमारे पास 117.434 हमारे पास, ये इस तरह से डिस्टेंस आ गया इक्वल एरिया एक्सिस से टॉप फ्लैंज ऑफ चैनल, ठीक है, वहां तक का पूरा डिस्टेंस 117.43 है, ओके। हमें चाहिए कौन सा डिस्टेंस, हमें चाहिए ये चैनल सेक्शन के सीजी से न्यूट्रल एक्सिस या फिर इक्वल एरिया एक्सिस तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये कितना होगा, तो अब सिंपल चीज है, आपको पता है कि चैनल सेक्शन का सीजी कहां पर है, तो भाई यहां टॉप फ्लैंज से 23.6 mm नीचे, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि अब हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हमें अगर पता करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 117.43 माइनस 23.6, ये इतना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये माइनस 23.6, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 93.834, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा इसके सीजी का, ये वो हो जाएगा, सिंपल बात सबको, आप तो समझ में आनी चाहिए, बहुत नीट और क्लीन तरीके से समझा दिया मैंने आपको, ठीक है, इससे सिंपल तरीके से और आपको कोई समझा नहीं सकता कि किस तरह से ये डिस्टेंस हम निकालेंगे। समझ में आई बात, यस और नो, यस और नो में जवाब दीजिए, मैं समझ में आई नहीं आई, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा बेझिझक, घबराइए मत कि सर ने इतनी बार समझा दिया फिर भी समझ नहीं आ रहा, अब हम सवाल कैसे पूछे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप मुझे कितने भी बार सवाल पूछ सकते हो। चलिए तो आप, मिहिर का जवाब आ चुका है, यस सर प्रोसीड,
ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, फिर किसी और को प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा मुझे, उसके लिए हम थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, मतलब 117.43 माइनस 23.6, ठीक है, तो ये 93.834 आ रहा है। ये हमने पहले तो चैनल सेक्शन का एरिया इंटू सीजी निकाल लिया, प्लस अब हमें क्या करना होगा, प्लस हमारा जो फ्लैंज है, टॉप फ्लैंज, ठीक है, टॉप फ्लैंज चैनल जो सेक्शन है उसका एरिया इंटू सीजी करना होगा, सीजी फ्रॉम इक्वल एरिया एक्सिस, ठीक है। तो उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया वही होगा 210 इंटू 12, ये उसका एरिया हो गया, ठीक है, इंटू उसकी सीजी कितनी होगी। तो सीजी उसके, अब इसकी सीजी निकालना तो किस तरह से निकालेंगे, तो हमें पता है 117.43 ये टॉप है ऊपर, ठीक है, कहां तक है ये, यहां ऊपर तक है, हमें पहुंचना कहां है, ये चैनल सेक्शन के, सॉरी फ्लैंज सेक्शन के सीजी तक। तो किस तरह से पहुंचेगी हम लोग, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहां पर हम अगर पहुंचना चाहें, मैं यहां पर आपको फिर से इसको जरा ये कर रहा हूं, 117.43 जो हम टॉप में है, करेंगे 7.6 जो कि हमारे चैनल सेक्शन की थिकनेस है, तो हम अब पहुंच गए यहां तक, ठीक है, हम यहां थे, यहां पहुंच गए, उसके बाद हम माइनस करेंगे 20.8/2, हम हमारे फ्लैंज सेक्शन के सेंटर तक पहुंच गए। समझ आई मेरी बातें आपको, इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी तो पूछिए मुझे। तो ये कितना हो जाएगा, 117.46 माइनस 7.6, ओके, माइनस 10.4, तो ये 99, मतलब ये जो सीजी होगी इसकी, यहां से लेकर हमारे फ्लैंज सेक्शन की जो सीजी हो जाएगी, ठीक है, वो कितनी होगी, 99.46 mm, ठीक है, ये हमारी इक्वल एरिया एक्सिस से हमारे फ्लैंज सेक्शन की सीजी हो गई, टॉप फ्लैंज की सीजी 99.46, बस आपको वो जो है यहां पे मल्टीप्लाई कर देना है 99.46। समझ में आया आपको, यस और नो में जवाब दो मुझे फटाफट, सिर्फ देखना नहीं है आपको, समझ में आया नहीं आया कोऑर्डिनेट करो फटाफट, कोऑपरेट करो, हरी अप जल्दी करो, बाकी लोग कोई भी जरा सा अगर प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे आप रोक सकते हो, टोक सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया अभी के चैनल सेक्शन देख लिया, फ्लैंज सेक्शन देख लिया, ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है हमारा जो आई सेक्शन है, ये जो हमारा यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है आई सेक्शन का, अब हमें उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो अब उसकी हम बात कर ले, तो उसका जो ZP होगा वो क्या होगा, तो उसका एरिया प्लस आई सेक्शन मतलब 12, उसका थिकनेस हो गया 12 इंटू, अब ये उसकी डेप्थ कितनी है, ये जो है ये कितनी है यहां से लेके यहां तक, तो ये बहुत सिंपल चीज है, हमें पता है यहां से लेके यहां तक कितना था 99.46 माइनस, और ये 10.4 कर दो, मतलब 99.46 माइनस 10.4, 10.4 क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि पूरा इसका जो थिकनेस है वो 20.8 का है, कितना है 20.8 का है, और 99.46 कहां पर है, तो इस फ्लैंज के सेंटर तक है, हमें फ्लैंज के यहां तक जाना है, यहां तक, ठीक है, कहां तक जाना है हमें फ्लैंज के, अप टू दिस बॉटम, ठीक है, तो हमें 10.4 माइनस करना होगा, ठीक है, तो 10.4 माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 99.46 माइनस 10.4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 89.06 mm, 89.0 जो आपका वेब सेक्शन हो रहा है यहां से यहां तक का, कितना हो रहा है 89. कितना हो रहा है, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बार बार ये चिल्ला के कह रहा हूं, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक कितना हो रहा है आपका 89.06, ठीक है, 89.06 आपका इतना हो रहा है, 99.46 समझ नहीं आया, 99.46 आपको समझ नहीं आया, अच्छा ये मतलब जो हमने फ्लैंज का जो सीजी निकाला था वो आपको समझ नहीं आया, 99.46 जो था हमारा वो फ्लैंज का सीजी था फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ये सिंपल चीज है, और किसी को समझ नहीं आया ऐसा कोई हो तो बताइए मुझे, इज देयर एनीबडी फेसेस एनी प्रॉब्लम और कंफ्यूजन इन एनी डिस्टेंस, और कोई है जो जिसको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, जल्दी करो, जितना सिंपल और आसान ये गैंट्री गर्डर की डिजाइन है उतना ही मुश्किल और लेंदी आप उसे बना रहे हो बिना ध्यान दिए, आप ध्यान नहीं दे रहे हो सुमंत, ठीक है, मैंने आपको कितनी बार क्लियरली समझा रहा हूं मैं कि ये जो हमें क्या करना होता है जब हम फ्लैंज के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई एरिया इंटू सीजी ऑफ फ्लैंज, और सीजी कहां से हम लेते हैं, सीजी हम लेते हैं इक्वल एरिया एक्सिस से फ्लैंज के सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये होता है। अब ये जो फ्लैंज का सेंटर है
कहां कितना होगा। तो मैंने आपको बताया कि फ्लैंज का जो सेंटर है वो कहां होगा, हमें बताया फ्लैंज की जो पूरी थिकनेस है वो कितनी है, 20.8 की है। कितनी है, 20.8 की है। हमें ये भी पता था कि ये जो पूरा एरिया है तो यहां से लेके यहां तक की पूरी हाइट है वो कितनी है, 117.43। ठीक है, तो 117.43 यहां तक थी, रिमेंबर याद रखिएगा, टॉप फ्लैंज तक थी। ठीक है, हमें चाहिए कहां तक, हमें ये जो हमारा फ्लैंज है ना, फ्लैंज के बीच तक चाहिए हमें। तो करना क्या होगा, हमें पता है यहां से लेके यहां तक 117.43 माइनस हम कर लेंगे 7.6 इस चैनल सेक्शन की फ्लैंज को माइनस करेंगे तो हम पहुंच गए यहां तक, हम यहां से यहां पहुंच गए। उसके बाद में जाना है तो बीच में जाने के लिए क्या करना होगा, पूरा जो वेब थिकनेस है वो कितनी है, 20.8, तो माइनस 20.8 डिवाइड बाय 2 करेंगे मतलब 10.4 माइनस कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो 99.46 आएगी। ठीक है, अब जरा आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को दोबारा दोहराइए, ध्यान से देखिए मैं कहां किस चीज को बता रहा हूं और किस डिस्टेंस को मैं आपको गिनवा रहा हूं। ठीक है, बार बार इसे रिपीट कीजिए, आपको समझ में आएगा फिर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने क्या करना है, अब हमारा जो आई सेक्शन है उसकी थिकनेस पता है, हमने उसकी हाइट निकाल ली है, दैट इज 89.06। तो हमने इसका एरिया इनटू इसकी सीजी कितनी होगी, तो 89.06 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 89.06 डिवाइड बाय 2, सिंपल यही उसकी सीजी होगी, उसकी सीजी यहां से यहां तक यही होगी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये आई सेक्शन की सीजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सीजी हमने यहां पर 89.06 निकाल ली। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो ऊपर जितने एरिया इनटू सीजी निकाल ली, अब हम टोटल कर लेंगे उसका, तो हमें जो है प्लास्टिक सेक्शन ऑफ अबो जो है वो जवाब दे रहा है अब। और दिक्कत ये है कि बाहर जो है आजकल सारी दुकानें बंद है, ठीक है, स्टेशनरी वगैरह सब कुछ बंद है, तो अब ये इंक मिलना भी बड़ी मुश्किल है आज कल। तो अब देखते हैं अपन, कुछ अगर चांस हो इतना थोड़ा बहुत भी तो कॉन्टेक्ट लगा के कुछ ना कुछ करेंगे कोशिश कि मार्कर की कुछ बंदोबस्त किया जाए, अगर नहीं होता तो फिर हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे इसके अंदर और देखेंगे हमारे इंजीनियरिंग दिमाग कितना चलता है। वैसे मार्कर की रिफिल तो पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है, वी नीड टू डू समथिंग एंड द थिंग दैट वी कैन डू इज नथिंग बट हम जो है, आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन हो तो बताइए मुझे कि सर मार्कर के लिए क्या किया जाए, बिकॉज ईच एंड एवरी माइंड हैज सम यूनिक एंड डिफरेंट सॉल्यूशंस एंड आई अप्रिशिएट दैट। डिजिट भैया डिजिटल के लिए मैं बताया आपको, इतना भी खर्च नहीं कर सकता हूं मैं, डिजिटल बोर्ड लगवाना इतना आसान थोड़ी ना है। अगर इतना ही आसान होता तो मैं कब से लगा देता। ठीक है, डिजिटल बोर्ड अगर लगाना इतना आसान होता ना तो मैं कब से लगा जाता, बट पानी डालो बस, मैं वही कर रहा था, देखो आई एम डूइंग द सेम थिंग, मैं पानी ही डाल रहा था उसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कितना चलता है पानी डालने के बाद, उसका जो अंदर का पूरा रिफिल होता है ना वो, उसको अपन ने बाहर निकाला, उसके पीछे वाले हिस्से से पानी डाला। पानी डालने के अंदर भी एक टेक्निक होती है, ठीक है, वो भी हमें पता होना चाहिए कि पानी किधर से डाला जाए, आगे से या पीछे से। तो अपन ने पीछे से पानी डाला तो वो आगे से निकलेगा, मतलब बाहर ये टिप है, हमने इधर से पानी डाला, इधर से वो निकलेगा। ठीक है ना, और कोई सोल्यूशन आप दे सकते हो तो दीजिए मुझे, क्योंकि अभी लॉकडाउन के अंदर बाहर तो नहीं चल रहा ये कुछ शॉप वगैरह, तो क्या करें, देखते हैं कुछ का सोल्यूशन निकालेंगे। वैसे मिहिर ने क्या कहा था, मैं मिहिर ने जो है उनकी, अच्छा पानी डालने के लिए मिहिर ने कहा था, डाल दिया अपन ने, हमें बता दो सर, क्या बताया आपको कि हमने पानी कैसे डाला। चलिए तो आगे बढ़ते, देख लेते हैं मार्कर का क्या है।
अभी भी मार्कर जो है वो बेचारा अभी भी सदमे में ही पड़ा है, पानी पीने के बाद भी है, यही हाल है। खैर चलो देखते हैं भी आगे कुछ होगा तो। ये पानी डालने का तरीक ट्रिक, अच्छा पानी डालने की ट्रिक आपको देखनी है, ठीक है। अभी अगली बार इतना कर लेते हैं अपन, इसके बाद अपन मैं बाद में और डालूंगा पानी एक बार, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो तो हमने क्या देखा कि ZP टू हमने देख लिया, ठीक है। और टोटल अगर ZP हम देखे कितना आ रहा है, टोटल ZP अगर देखे कितना आ रहा है, तो ZP1 प्लस ZP2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, मैं लिख रहा हूं ठीक है, आप कष्ट मत उठाइएगा, आई एम राइटिंग इट, दैट इज नथिंग बट ZP1 की वैल्यू हमारी आ रही थी, ZP1 की वैल्यू 3.417 इंटू 10^6 आ रही थी, प्लस ZP2 हमारे पास आ रहा था, मतलब 910.21 इंटू 10^3 आ रहा था, ठीक है। इनको हमने एडिशन किया, एडिशन करने के बाद हमें पता चला कि 4.327 इंटू 10^6 हो रहा है, ठीक है, mm³। ये आपका ZP है, ठीक है, ये डिजाइन ZP है आपका, ओके। अब जरा यहां पर एक चीज गौर कीजिएगा, हमारा यहां ZP कितना आ रहा है इस पूरे कंबाइन सेक्शन का, वो आ रहा है हमारे पास 4.327 इंटू 10^6। अब हमने जो ZP लिया है, सॉरी जो रिक्वायर्ड ZP थी हमारे पास, जो रिक्वायर्ड हमने निकाली थी सेकंड हमारे इसमें सेकंड स्टेप के अंदर, शायद ZP रिक्वायर्ड वगैरह वो कितनी थी, सॉरी फोर्थ स्टेप के अंदर जब सिलेक्ट हमने सेक्शन सिलेक्ट किया था, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड ZP वहां पर आ रही थी, ठीक है, वो हमने निकाली थी 1.4 इंटू MU डिवाइड बाय FY करके, तो वो जो रिक्वायर्ड ZP आ रही थी कितनी आ रही थी, दैट इज नथिंग बट 3 पॉइंट, अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो 3.82 इंटू 10^6 mm³, ये आपकी रिक्वायर्ड है, मतलब 3800 समथिंग आपकी वैल्यू आ रही थी उसके ZP के, अगर आप देखोगे अपने किताब को पलटा के, रिक्वायर्ड आ रही थी ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये रिक्वायर्ड आ रही है ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मतलब यहां पर एक चीज आपको कंफर्म हो रही है कि हमारा सेक्शन जो है वो प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस के लिए कैपेबल है, यस और नो, समझ में आई बात आपके, ठीक है। तो यहां हमने जो है ZP को निकाल लिया, ये ZP Z था, ये क्या था, ZP Z था हमारे पास, ठीक है। अभी ZP Y निकालना बाकी है, ZP Y इज स्टिल रिमेनिंग, ओके चलो ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको ZP Z हमने किस तरह से निकाला, यस और नो, ZP Z आपको समझ में आ गया कि हमने किस तरह से निकाला है, यस और नो में मुझे रिप्लाई करो अपना जो भी है, जल्दी करो, हरी अप। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे ZPY के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे ZPY, अब देखो ZPY सिंपल चीज है, मैंने आपको बताया था ये पिछली बार भी, इट इज नथिंग बट BD² / 4। ZPY क्या होता है, इट इज नथिंग बट BD² / 4 इंटू उसका CG जो होता है वो, ठीक है चलो। और ये टॉप फ्लेंज के अंदर हम मानते हैं क्योंकि टॉप फ्लेंज के अंदर ज्यादा होगा और वो वाई एक्सिस होती है, ठीक है, ये जेड एक्सिस के अलोंग नहीं होता कि भाई चलो दो अलग अलग सेक्शन हो रहे, दिस इज वाई, ZPY मतलब वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो वाई एक्सिस के अलोंग हमारा जो टॉप फ्लेंज होगा सबसे ज्यादा वहां पर होगी, ठीक है। तो कितना होगा वहां पर देख लेते हैं फटाफट, ठीक है, ZPY इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर हमारा जो टॉप फ्लेंज है, ये कितना है टॉप फ्लेंज, तो टॉप फ्लेंज की अगर बात करें तो उसका एरिया कितना, इसका सॉरी BH, इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, दैट इज नथिंग बट BD² / 4 / 4 कह लो, ठीक है, ये ZP का एक्चुअली फॉर्मूला होता है, ठीक है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ ZP अलॉन्ग वाई एक्सिस, इस चीज को याद रखिएगा फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन। चलिए तो ये क्या होगा, B हमारे पास कितना होगा इसका, इसका जो थिकनेस है, ठीक है, वो ले लीजिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20.8 इंटू इसका जो विड्थ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 210 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक है, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। इतना हमने ये फ्लेंज का देख लिया, प्लस प्लस हमारा जो ये चैनल सेक्शन है ऊपर क्या, उसकी थिकनेस कितनी है, प्लस उसकी थिकनेस है 7.6 इंटू इंटू
अब इसकी इस चैनल सेक्शन की जो हमारे पास उसका ये हम कह सकते हैं उसको कि भाई इसका जो बी एच स्क्वायर बाय फोर जो फॉर्मूला होगा ठीक है वो कितना होगा, तो इसके अंदर बी कितना होगा हमारे पास, इसके अंदर बी कितना होगा, पूरा जो इसका ये विड्थ है ये, क्योंकि इसका जेड एक्सिस हमारा वाई है और वाई एक्सिस हमारा जेड है, इस चीज को याद रखिएगा ठीक है, मैंने आपको कल बताया था ये, तो पूरा जो ये विड्थ होगा उसका कितना है, 300 पूरा विड्थ है उसका, कितना विड्थ का पूरा विड्थ कितना है, 300 का है ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट द फ्लैंज, तो ये जो अच्छा ये जो वेब है इसकी, इसको हम वेब, इसको हम एक्चुअली इसकी फ्लैंज कहते हैं, इसको वेब कहते हैं इन जनरल ठीक है, मतलब ये इस तरह से जो होता है इस तरह से ही होगा ठीक है, तो ये फ्लैंज होगा ये वेब होगा, इस फ्लैंज की थिकनेस कितनी पे बताएगा मुझे, इस फ्लैंज की थिकनेस मुझे जल्दी करो मुझे बताइए थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितनी दे रखी है आपको, हरी अप जल्दी करें जरा, 13.6 वेरी गुड, तो 13.6 इधर से 13.6 इधर से, तो आपको ये नेट जो उसकी फ्लैंज है उसका एरिया मिलेगा, मतलब क्या है आपका ये कि भाई 7.6 इंटू ये जो 300 है, 300 माइनस 2 इंटू 13.6 सॉरी 123 नहीं 13.6, ये आपका बी एच बाय फोर ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी है, तो ये हमने फ्लैंज का और चैनल सेक्शन का देख लिया ठीक है, फ्लैंज का और चैनल सेक्शन का हमने देख लिया, अब हम किस चीज की बात करेंगे, हमने फ्लैंज का देख लिया चैनल सेक्शन का देख लिया, नाउ वी विल टॉक अबाउट ये जो हमारे हम क्योंकि वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं ठीक है, तो ये जो हमारे ये वेब है इसके इसकी भी हमें बात करनी पड़ेगी ठीक है, और वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द टॉप फ्लेंज, दैट इज वाई हम इसके अंदर जो वेब है ना उसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे ठीक है, ये हमारा जो पूरा चैनल सेक्शन है इसका जो फ्लेंज जो वेब था वो हमारे लिए फ्लेंज है, और इसका जो फ्लेंज है वो तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ठीक है, तो उसका फ्लेंज कितना, ये जो उसका फ्लेंज होगा ये वाला पोर्शन ठीक है, ये हमें निकालना है, तो देखो इस फ्लेंज की जो ये विड्थ है आउटस्टैंडिंग विड्थ कितनी है कोई बताएगा मुझे, इसकी कितनी है कोई बताएगा मुझे, इसकी विड्थ ऑफ फ्लेंज कितनी है, जो जो भी सेक्शन हमें इसके अंदर कंसिडर करने होते हैं जेड पी वाई के अंदर, मैं आपको एक एक अलग अलग बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, विड्थ ऑफ लेंस कितनी है आपकी बताइए मुझे चैनल सेक्शन की, हमने हमारे आई सेक्शन का फ्लेंज देखा, अब पूरे चैनल सेक्शन का जेड वाई देखेंगे हम लोग, 90 mm वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 90 mm इसकी जो है वो विड्थ ऑफ फ्लेंज आ गई ठीक है, 90 mm इसकी विड्थ है, और इसकी जो 20 mm क्या है सॉरी 13.6 क्या है इसकी थिकनेस है, मतलब इसका एरिया कितना हो रहा है, एरिया इसका बी जो इसका हम एरिया कह सकते हैं इसका कितना हो रहा है, दैट इज नथिंग बट 13.6 इंटू 90, और क्योंकि ये दो है ये कितने हैं दो है ठीक है, तो हम इंटू टू कर देते हैं यहां पे, पहले इंटू टू दो हो गई है, हो गए नहीं हो गए समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन कहीं हो तो बताइए मुझे, कंफ्यूजन नहीं हो तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं ठीक है, और अब इसकी सीजी कितनी होगी, कहां पर होगी इसकी सीजी, ये हमारा जो वेब है ठीक है, क्योंकि ये यहां से यहां जाएगा ठीक है, तो इसकी सीजी कितनी होगी, तो हमें पता है कि हमारा जो ये सेक्शन है ठीक है, देखिए यहां पर देखिएगा ये हमारा इस तरह से चैनल सेक्शन है ठीक है, चैनल सेक्शन है हमारा ये पूरा कितना है 300 का है, इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर क्या होगा 150 होगा, कितना होगा, और 150 से वेब का सीजी क्या होगा, तो 150 150 माइनस 150, देखो मैं बता रहा हूं आपको ये यहां से लेकर यहां तक 150 है, और हमें क्योंकि ये जो हमारा चैनल सेक्शन है ये हमारा जो ये वेब है इसका ठीक है, वेब इसका ये यहां तक का डिस्टेंस चाहिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 150 13.6/2, यही तो होगा ये इसका सीजी, यही होगा इसका सीजी जेड पी वाई के अंदर, हमने पहले क्या किया, पहले जो हमारा टॉप फ्लेंज था, जो हमारा जो पहले टॉप फ्लेंज था ठीक है वो हमने देख लिया ठीक है, वो हमने देख लिया क्योंकि रेक्टेंगुलर था, हमने देख लिया इसके अंदर बी एच स्क्वायर बाय फोर आता है ठीक है, ये हमने इसका देख लिया, उसके बाद जो चैनल का हमारा ये था वेब हमारे लिए जो फ्लेंज है वो ठीक है उसका हमने देख लिया ठीक है जेड पी वाई, उसके बाद हमने क्या देखा, ये जो हमारा ये जो ये बाहर हमारे चैनल का जो वेब निकला हुआ है
उसे हम हमारा फ्लैंज कह सकते हैं ओरिजिनली इन आईएस कोड। तो ये जो है ये इसका भी निकालना है, ठीक है। तो ये क्योंकि यहां से दूर है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसकी सीजी निकालनी होगी, इसकी सीजी निकालनी होगी यहां, इस सीजी से इसकी सीजी निकालनी होगी, एंड दैट इज व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस सीजी ओवर हियर, ठीक है। तो कितना होगा ये हमें पूरा पता है, यहां से लेकर यहां तक का 300 है, और 300 हमें क्या चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का चाहिए, ये जो फ्लैंज हमारी है, ठीक है, ये बीच का डिस्टेंस इसके सेंटर तक, ठीक है, 150 माइनस 13.6 बाय 2, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे, हमारे टॉप फ्लेंज के जो सेक्शन है पूरा हमारा, उसका जो ZP आएगा वो आएगा 721.27 इंटू 10^3 mm^4। अच्छा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, अगर नहीं है तो प्रोसीड लिख के मुझे बताइए, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपना प्रॉब्लम बताइए, अगर समझ में आ गए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ चीजें बस ये किस तरह से आपको कहां से कौन सी चीज को कैलकुलेट करना है, कौन सी हाइट वगैरह कहां पर है, ये आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज ऑल। बाकी जो है ये सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है, बस लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेशन के अंदर ही होते हैं, सीजी वगैरह के अंदर, बाकी सब कुछ सीधी चीजें इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, आपको सबको समझ में आ गया है, ओके। चलो ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा ये मार्कर जो है अपना, अब शायद सही चल रहा है, मार्कर से आपको सब कुछ दिखाई तो दे रहा है ना, अभी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा और इसमें पानी डाल देता हूँ, तब तक आप जरा अपने आप को कंफर्म कर लीजिए कि आपको सब कुछ पता है या नहीं, मतलब आता है या नहीं, अगर कोई डाउट रह जाता तो मुझे बताइए, मैं आपका इंतजार करता हूँ। इफ यू फाउंड एनी डाउट, देखो ये जो होता है ये मार्कर के, यहाँ पे हमारा मार्कर का पॉइंट होता है जहां से हम लिखते हैं, ठीक है, और ये उसका टॉप पोर्शन है, तो हम पानी कहाँ से डालेंगे, यहाँ से डालेंगे, ठीक है। तो ये पानी पूरा पेनिट्रेट होते होते हैं, परमीबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, इसके अंदर फोम होता है, तो ये परमीबल होता है, तो पानी इसका यहाँ से लाके यहाँ सीप हो जाता है, ठीक है, सीप होता है तो यहाँ बॉटम में आता है, हमें यहाँ से मिली इंक मिल जाती है, तो दिस इज द सिंपल। यहाँ से लोग, कई लोग यहाँ से पानी डाल देते हैं, तो वो यहाँ से पानी डालने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब मुझे शायद उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई कि ट्रिक क्या थी। और पानी भी बड़े अदब से डाला जाता है इसके अंदर, ठीक है, बूंद 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 करके पानी डाला जाता है, देखा आपको इस तरह से। आप सोचोगे सर ये क्या टाइम पास करवा रहे हो आप, बट भैया हालात ऐसे है, क्या करे, वी आर स्टक in such kind of situation that nobody expected कि ऐसे दिन भी आएंगे। Okay, so we are ready to go now. चलिए, तो अब मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे कि मार्कर शायद होश में आ जाएगा थोड़ा इंतजार। तो अब हमने क्या देखा यहां तक कि भाई जो ZP Z था, ZP Y था, Z जो दोनों डायरेक्शन में दोनों एक्सिस के अलोंग हमने निकाल लिया, ठीक है, ZEY। अच्छा, एक काम कीजिएगा, अपने नोटबुक के अंदर जो है मैं जो चीज आपको लिखवा रहा हूँ जरा उसको लिख लीजिएगा आप, ठीक है, अब जरा उसको लिख लीजिएगा, ये मैं फिगर अब इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत अब हमें नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप जरा, मैं आपको कुछ चीजें लिखवा रहा हूँ, वैसे तो आपके आपके पास बुक है ही, ठीक है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको, क्योंकि अगर आपकी नोटबुक आपने बनाई है ट्यूशन की, तो मैं आपको उसके हिसाब से लिखवा रहा हूँ, उसमें लिख लीजिएगा कि हमारा जो, क्योंकि ये चीज़ें आपको ज़रूरी होगी अभी, ठीक है, ये चीज़ें आपको आगे ज़रूरी होगी, ओके। तो जेड ई जेड की वैल्यू क्या थी, तो जेड ई जेड की वैल्यू हमारी थी कितनी थी हमारी जेड ई की वैल्यू, 3.31 इंटू 10^6, ठीक है। जेड ई वाई की वैल्यू हमारी क्या थी, तो हमारी वो थी वैल्यू, जेड ई वाई की वैल्यू थी हमारी, दैट इज नथिंग बट 5311 73 mm
क्यूब, ठीक है, ऐसा कुछ था हमारा, ठीक है। उसके बाद ये भी एमएम क्यूब के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है जेड पी जेड क्या था, तो जेड पी जेड हमने जेड पी जेड निकाल लिया था हमने, दैट इज अवर टोटल जेड पी जेड 4 पॉइंट, विच इज इक्वल टू 4.327 × 10^6 mm³, ठीक है। और जेड पी वाई जो अभी अभी हमने निकाला वो था 721.27 × 10^3 mm², ठीक है। हमने ये क्या निकाल लिया, हमने ये जेड पी जेड निकाल लिया, जेड पी वाई, ये जेड ई जेड, ठीक है। ये इलास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस हो गया, ये हमारा प्लास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस हो गया, ठीक है। इसके अंदर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे, ओके। ये आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिएगा। अच्छा आपको ये दिखाई तो दे रहा है, चलो ठीक है। अभी ये जो है सब कुछ अपने आप नोटबुक लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, आपको आगे ये काम लगेगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो स्टेप होगा वो होगा मोमेंट कैपेसिटी चेक करने का, कि ये हमने जो सेक्शन पूरा बनाया है, बिल्टअप किया है, इसकी मोमेंट कैपेसिटी कितनी है, कैसी है। तो मोमेंट कैपेसिटी के लिए सबसे पहले तो आपको क्लासिफाई करना होगा इस पूरे सेक्शन को, कि ये प्लास्टिक है या क्या है, सिलेंडर नहीं होना चाहिए, दैट इज द मस्ट। ये चेक करेंगे हम लोग कि भाई हमारा सेक्शन जो है वो क्या है एक्चुअली। तो इसके लिए आपको जो हमारा टेबल 2 है, ठीक है, पेज नंबर 18 के अंदर, तो वही जाना है आपको। और उसके अंदर जो हमारा वेल्ड, क्योंकि वेल्ड सेक्शन होने वाला है, ठीक है, तो वेल्ड सेक्शन के लिए आई की फ्लैंज कितनी होगी, तो उसके अंदर बी बाई टी एफ का जो रेशियो होता है, ठीक है, वो लेना है आपको। और वो चेक करना है कि प्लास्टिक के नीचे है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो वेब ऑफ आई सेक्शन होगा, अब ये चीजें मैंने जो आपको प्लेट गर्डर के अंदर अच्छी तरह से करवाई है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मुझे फिर से इसको डिटेल में करवाने की शायद जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको लगता है जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हो कि सर जरूरत है तो मैं बता देता हूं, वरना मैं ऐसे ही जा रहा हूं भी आगे, ठीक है। कि भाई प्लास्टिक सेक्शन हमारा जो फ्लैंज है आई सेक्शन का वो तो क्लासिफाई हो रहा है, दूसरा जो हमारा वेब सेक्शन है वो भी प्लास्टिक के लिए वो 84 एप्सिलॉन से कम आ रहा है, वो भी वेब सेक्शन के लिए क्लासिफाई हो रहा है प्लास्टिक के लिए, ठीक है, स्किप कर देता हूं, ठीक है, चलो। और हमारा चैनल सेक्शन भी जो है वो प्लास्टिक के लिए क्लासिफाई हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये हमारा प्लास्टिक सेक्शन माना गया है। अब जो है लोकल मोमेंट कैपेसिटी की बात करते हैं, तो अगर आप आईएस कोड में जाइए पेज नंबर 53 के ऊपर, तो वहां आपको जो है फॉर्मूले दे रखे हैं, वहां पर जेडपी और जेडई मतलब प्लास्टिक और इलास्टिक दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। अगर हम बात करें इलास्टिक के लिए, तो वहां पर आपको मैं बात कर सकता हूं एमडीई, हम बात करेंगे एमडीई मतलब ये इलास्टिक मोमेंट के लिए, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1.2 × देखो मार्कर कितना बढ़िया चल रहा है अभी, ठीक है ना, तो 1.2 × ZE, ये होता है 1.2 × ZEZ, ठीक है, MDZ हम कह सकते हैं, MDZE मतलब इलास्टिक सेक्शन इन Z डायरेक्शन, ठीक है। तो MD 1.2 × ZEZ FY डिवाइड बाय 1.10 या गामा m0 जो भी आपको लेना है, ठीक है। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, इसके अंदर आपको वैल्यूज रखनी है सारी। और दूसरा फॉर्मूला आपका हो जाएगा MDZ, ये हो जाएगा आपका, सॉरी MDYE, MDYE मतलब ये हो जाएगा आपका, सॉरी 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 सॉरी, ये MDZ ये इलास्टिक के लिए, ये प्लास्टिक के लिए, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका, ये बीटा बी इंटू जेड पी जेड, ठीक है, ये मतलब प्लास्टिक सेक्शन इन जेड डायरेक्शन इंटू एफ वाई, सॉरी डिवाइड बाय 1.10, सॉरी डिवाइड बाय 1.1। ये फॉर्मूला आपको जो है रटना नहीं है, ये आपको पेज नंबर 53 के ऊपर दे रखे दोनों भी, ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूला आपको पेज नंबर 53 के ऊपर दे रखे हैं, वहां पर आप देखिएगा। तो इसके अंदर जो है जो आपको ये वैल्यूज दे रखी है, अब मैंने आपको ये जेड ई जेड लिखाया, जेड पी जेड लिखाया, क्योंकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, हमने क्या कौन सी चीज कहां पर फाइंड आउट कर रखी है। अब सिंपली आपको ये वैल्यूज यहां पर रखनी है और इसकी वैल्यूज को यहां पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर हम MDZE की बात करें, मतलब MDZ की बात करें कि भाई ये जो इलास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस Z डायरेक्शन में कितना हो रहा है, इसकी मोमेंट, उसकी वजह से मोमेंट कितनी हो रही है, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ रही है 902, ठीक है, 902.72 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये आपकी इसकी वैल्यू आ रही है। इसको इसकी अगर वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है MDZ, अगर इसकी प्लास्टिक सेक्शन की बात करें तो 983.4, अच्छा वही था, ठीक है, 43 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये आपकी दोनों वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये आपकी दो वैल्यू निकल कर आ रही है यहां से कि भाई इलास्टिक सेक्शन और प्लास्टिक सेक्शन के लिए जेड डायरेक्शन के अंदर कितनी मोमेंट क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये दो मोमेंट आ रही है, इसमें से आपको क्या करना है, दोनों में से जो स्मॉलर मोमेंट होगी वो आपको कंसिडर करनी है, उसको आपको कंपेयर करना है आपकी जो मोमेंट थी उसके साथ,
जो मैक्सिमम मोमेंट हमारी आ रही थी, ठीक है, तो इन दोनों में से स्मॉलर कौन सी है, इन दोनों में से स्मॉलर मोमेंट है 902.72, ठीक है, और ये जो मोमेंट है, अब हमारी मैक्सिमम मोमेंट थी वो कितनी आ रही थी, मैक्सिमम मोमेंट हमारे पास थी 681.85 किलोन्यूटन इनटू मीटर, ठीक है, हमारे पास रिक्वायर्ड मोमेंट ये थी, इसकी वजह से मोमेंट हमने प्रोवाइड कर रखी वो ये है, मतलब रिक्वायर्ड सॉरी प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, मतलब ये सेफली मोमेंट को कैरी कर लेगा, ये जो है हमारा सेक्शन ZZ डायरेक्शन के अंदर, इसके अंदर जो है वो सेफली मोमेंट को कैरी कर लेगा, यहां पर ये पूरी तरह से वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं Y डायरेक्शन के लिए, ठीक है, मतलब फ्लैंज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको इतना, यस और नो, ये तो सिंपल चेक था हमारा, इसमें कोई बड़ी धार मारने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई हमने बहुत कंफ्यूजन वाला काम किया अभी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो अब हम बात करेंगे MDY, तो MDY जो होता है, MDY ये होता है एक तो इलास्टिक सेक्शन के लिए, ठीक है, तो MDY हमारा क्या होगा, तो MDY इलास्टिक सेक्शन की बात करें तो 1.2 इंटू ZEY हो जाएगा ये, ठीक है, ZEY हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा FY डिवाइड बाय 1.10, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, और ये आपका वाई डायरेक्शन के अंदर एक तो इलास्टिक सेक्शन के लिए हो गया, अब वाई डायरेक्शन के अंदर जो है ये प्लास्टिक सेक्शन के लिए हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला फिर से बीटा बी इंटू जेड py into divide by 1.10, तो ये दोनों आपके values यहाँ पर निकाल लीजिए, इन दोनों values को निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, इन दोनों values को निकाल लेंगे, पहली इसकी value अगर देखूं मैं निकाल के, तो ये आ रही है 144.86, आपको कहीं confusion हो रहा है तो मैं पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं जरा बिना calculation करवाए आगे बढ़ रहा हूँ, चलिए, और उसके बाद ये जो value है ये आपकी आ रही है 163.92 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, मतलब ये दो वैल्यू हमारे, इसमें से जो स्मॉलर वन है, स्मॉलर वन कौन सी है, इसमें से ये 144 है, तो 144 हमारी स्मॉलर, अब इस चीज को किससे आप कंपेयर करोगे, इस चीज को आप किससे कंपेयर करोगे, तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए, हमने जो वाई डायरेक्शन के अंदर जो मोमेंट हमने निकाली थी ना, ठीक है, ये कितना था 144.86, ठीक है, वाई डायरेक्शन के अंदर हमने जो मोमेंट निकाली थी, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास जो हमारे हॉरिजॉन्टल लोड थे, सर्ज लोड वगैरह, ठीक है, जो हमारे पास सर्ज लोड वगैरह थे, तो उसकी वजह से जो मोमेंट हमने निकाली थी कितनी आ रही थी, दैट इज 20.40 किलो न्यूटन इंटू मीटर, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, तो हमने क्या किया कि भाई ये चेक किया, अब ये इट इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, वाई डायरेक्शन के अंदर रिक्वायर्ड इतनी थी, हम प्रोवाइड इतनी कर रहे हैं, then it means that it is also safe in vertical direction, y moment, ठीक है, चलिए तो हमने ये दोनों moment यहाँ पर check कर लिए, इसमें आपको कोई problem, confusion कहीं हो तो पूछ लीजिए मुझे, नहीं है तो proceed लिखकर मुझे बताइए कि सर proceed ahead, then we will proceed, okay? तो इतनी simple चीजें थी, ठीक है, अब एक आखिरी मोमेंट के अंदर स्टेप होता है कि भाई आपको जो है वो कंबाइन कैपेसिटी चेक करनी होती है, ठीक है, कंबाइन कैपेसिटी के लिए क्या करना होता है आपको कि भाई वो MZ डिवाइड बाय MDZ इज प्लस होता है MY डिवाइड बाय MDY, अब ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, फास्ट प्रोसीड, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग कह रहे हो प्रोसीड फास्ट, तो हम एक काम करते हैं, ये समझ आ गया, ठीक है, चलो तो ये पूरा आपको समझ में आ गया, इन शॉर्ट की कंबाइन कैपेसिटी वगैरह क्या होता है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू कहां से होती है, तो मैं आपको इसको फिर से डिटेल में नहीं जा रहा हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम चेक करते हैं बकलिंग के लिए, अब हम बकलिंग के लिए चेक करना है हमें, ठीक है, तो बकलिंग के लिए चेक करना भी बहुत आसान है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बकलिंग के लिए चेक करने के लिए करना क्या होगा आपको, हाँ अगर आप इस स्टेप को अगर स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि मत कीजिए, अगर आपके पास समय की कमी है, किल्लत है, तो आप इसको कर लीजिएगा जो है स्किप, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, चलिए ठीक है ना, तो इसके अंदर जो चेक फॉर बकलिंग होता है वो किस तरह से किया जाता है, चेक फॉर बकलिंग जो है वो किस तरह से किया जाता है, इसकी हम थोड़ा बात कर लेते हैं अभी कि किस तरह से कर, हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला होता है MD, ये होता है MD इज इक्वल टू होता है, आप जाइए आपको पेज नंबर 54 पर जाइए, चलिए पेज नंबर 54 पर जाइए IS कोड के अंदर 800 में, वहां पर एक फॉर्मूला, चलिए मैं भी जाता हूं आपके साथ, कम ऑन हरी अप, आप ओपन कीजिए IS कोड में, वहां पर आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं उसके बारे में, इसमें मुझे लगता है सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है, तो जाइए 54 पेज नंबर पे, आपको वहां पर फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज MD, ये लेटरली अनसपोर्टेड बीम के लिए होता है, ठीक है, ये आपको इस तरह से यहां पर फॉर्मूला दे रखा है, देखिए ओके
तो यहां पर MD इज इक्वल टू दे रखा है आपको बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ बी डी, ये आपको यहां पर इस तरह से एक फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। बीटा बी जो दे रखा है आपको कि भाई प्लास्टिक सेक्शन के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। जेड पी जो दे रखा है आपको वो हम आगे निकालेंगे, ठीक है। इसके अंदर तो कोई बड़ी बात नहीं है जेड पी के लिए, ठीक है। जेड पी तो हमें पता है कि भाई जेड पी जेड जो होता है वो हमें लेना है, मतलब दैट इज जेड पी के लिए हम पता है कि भाई ये है 4 point something, 4 point कितनी थी हमारे पास 327 × 10⁶, इस तरह की कुछ वैल्यू हमारे पास जेड पी की ऑलरेडी थी, ठीक है। अब यहां पर सवाल आता है एफ बी डी का, एफ बी डी के बारे में क्या करना है हमें, ठीक है। तो एफ बी डी जो है आपको एफ बी डी का जो फॉर्मूला है, एफ बी डी का फॉर्मूला एक्चुअली होता है दैट इज नथिंग बट एफ बी डी, वो भी आपको आईएस कोड में दे रखा है, दैट इज इक्वल टू ये होता है, इसको हम कहते हैं काई, इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, इसको हम काई कहते हैं, ठीक है। इसको जरा ये कई लोगों को पता नहीं इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। कई लोग इसको वो क्या कहते हैं, इसको शाई कहते हैं, कई चाय कहते हैं, पता नहीं ची कहते हैं, पता नहीं की कहते हैं, तो ये चाची वगैरह कुछ नहीं है। इसको हम एक तो काई कह सकते हैं या इसको हम जो है वो की कह सकते हैं, मतलब काकी आप कह सकते हो, चाची आप नहीं कह सकते हो, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये ग्रीक वर्ड होते हैं पूरे, ठीक है। हम कहते हैं ना फाई काई साई, तो ये काई है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमें फॉर्मूला दे रखा है काई इंटू एफ वाई डिवाइड बाय गामा एम जीरो, ये आपको इस तरह से फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। अभी जो काई एलटी होता है ये क्या होता है, तो काई एलटी के लिए आपको यहां पर जो है इसका फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाय फाई एलटी प्लस फाई स्क्वायर एलटी माइनस लैम्ब्डा स्क्वायर एल टी होल रेस टू, ठीक है, विच विल बी लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरह से आपको देखो, अब मैं पूरा और सब कुछ नहीं लिखूंगा आगे, यहां पर आपको जो है ये सारे फॉर्मूले इसके रिलेटेड जितने भी है ये सब कुछ यहां पर आपको इस आईएस कोड में स्टेप बाय स्टेप दे रखे कि भाई ये जो है आपका ये एफ बी डी है, एफ बी डी की ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर काई एल टी का ये फॉर्मूला है, उसके अंदर फाइव एल टी आ रहा है तो फाइव एल टी का ये फॉर्मूला है, फाइव एल टी आ रहा है तो आज ये अल्फा एल टी जो फाइव एल टी के अंदर अल्फा एल टी है, तो अल्फा एल टी जो है ये आपको ये लेना है कि रोल्ड सेक्शन है आपका तो 0.21 लेना है, बिल्ट अप वेल्डेड है सॉरी वेल्डेड है तो 0.49 लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका लैम्ब्डा एल टी जो है, लैम्ब्डा एल टी भी इसके अंदर आ रहा है तो लैम्ब्डा एल टी का फॉर्मूला ये है आपका, ठीक है। इसके अंदर एफ सी आर आ रहा है तो एफ सी आर जो है वो आपको एम सी आर जो होता है सॉरी एम सी आर इसके अंदर आ रहा है तो एम सी आर का फॉर्मूला आपको इस तरह से यहां से लेना है। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको यहां पर दे रखे। तो क्या आपको लगता है मुझे ये सब कुछ डिटेल में आपको करवाना चाहिए या फिर आप इसके अंदर से देखकर कैलकुलेट, व्हाट यू गाइस थिंक, मुझे इसके अंदर डीप में आपको ये सब कुछ और ये कुछ नया नहीं है, सारी वैल्यूज हमें पता है, सारे हमें वहां पर कैलकुलेशंस कर दे रखे हैं। मुझे इसको करवाना चाहिए डिटेल में कि सर ये ऐसी वैल्यूज किस तरह से लानी है वगैरह वगैरह। एलटी जो है वो आपका इफेक्टिव लेंथ होता है जो 0.1 होता है, ये हमने पहले भी देखा था, तो एलटी 1L होता है, ठीक है, एलटी 1L होता है। हाइट ऑफ फ्लेंज वगैरह तो ये बेसिक डायमेंशन है पहले इसके, तो आपको आगे काम लगेगा इसके अंदर थिकनेस ऑफ फ्लेंज वगैरह सब कुछ ये है। तो क्या आपकी क्या इच्छा है, मैं इसको डिटेल में करवाऊं या फिर आप आईएस कोड से देखकर स्टेप बाय स्टेप वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, आपकी क्या राय है जरा बताइए मुझे, यस और नो, डिटेल में नहीं करवाना चाहिए। अच्छा, बाकी लोग क्या चाहते हैं, जिगर ने तो उनका स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो चाहते हैं कि आप डिटेल में मत करवाओ, बाकी लोग क्या चाहते हैं जल्दी कीजिए। इसमें कंफ्यूजन वाले कुछ चीज जो है मैं बता रहा हूं आपको, कोई नहीं, वैसे तो सारी वैल्यूज देखो आपको आई है और यहां बता दो आपको मैं एमसीआर, तो C1 जो है अपेंडिक्स ई आपको दे रखा है, C1 की वैल्यू निकाल लेनी है जस्ट, ठीक है, और वो पहली वैल्यू आपको 1.13 की दे रखी है, वो C1 की वैल्यू निकालनी, गॉट इट सर, नेक्स्ट स्टेप ले लो। जिगर के अलावा कोई जवाब नहीं दे रहा है, ठीक है, तो हम जिगर के जवाब को फाइनल समझेंगे फिर, अगर आप चाहते हो तो बताइए मुझे, वरना हम जिगर के जवाब को फाइनल समझ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पाई है, ई है, आई वाई हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, हाइट ऑफ फ्लेंज जो है वो हमने निकाल रखा है, ठीक है, एल टी हमें पता है कि भाई वो जो है वो 1L होता है तो हमने उसको कैलकुलेट हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आर वाई जो हमारे पास वो पता है हमें, आर वाई इज नथिंग बट आई वाई बाय ए होता है, ठीक है, आर वाई इज नथिंग बट आई वाई बाय आई हमें पता है, ए हमें पता है तो आर वाई मिल जाएगा हमें, ठीक है।
थिकनेस ऑफ फ्लेंज हमें पता है, और आगे एमसीआर की वैल्यू अगर देखें, सुमंत कह रहे कि सर एम जेड बाई एम डी प्लस एम वाई बाई एम डी इज लेस देन वन, कोड में आप पीछे आप प्रोविजन के पसी याद रखवाना छे। देखो ये आपको कोड में कहीं दे रखा है, ठीक है मैं आपको बता देता हूं एक मिनट, ये जो है कंबाइंड सेक्शन के लिए आपको कोड में कहीं दे रखा है कि भाई कंबाइन कैपेसिटी किस तरह से निकाली जाती है, ठीक है इसका पूरा मैंने देखा था कहीं, इसको एक्चुअली ये याद नहीं रहते बहुत जल्दी, इसको ढूंढना पड़ता है बार बार। सुमंत आप जो है मुझे इसको अपने ग्रुप में बता दीजिएगा, मैं जरा फ्री हो जाऊंगा अभी तो मैं आपको बता दूंगा कौन से पेज में, आपको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं इसको ये दे रखा है, ठीक है इतना पता है मुझे, तो मैं आपको बता दूंगा ये कौन से पेज नंबर पे कहां दे रखा है, आप मुझे जरा ये क्लास खत्म होने के बाद बताइएगा, ठीक है ओके। चलिए तो मिहिर कह रहे कि सर एक्सप्लेन कर दो सिर्फ, ठीक है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ओके। तो देखो हमने क्या किया है, पहले तो मैंने बता दूं आपको हमने एमसी सारी जो वैल्यूज है, पहले एफबीडी की वैल्यू, एफबीडी का फॉर्मूला है जेड काई एलटी काई एलटी इनटू एफवाई डिवाइड बाय गामा एम जीरो, इसमें काई एलटी जो होता है वो वन अपॉन फाइव एलटी प्लस फाइव स्क्वायर एलटी, ये हमें फॉर्मूला वहां पे दे रखा है, इसमें फाइव में पता नहीं तो फाइव आप जो है आसानी से निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला आपको वहां पे दे रखा है, फाइव के अंदर अल्फा एलटी है और लैम्बडा एलटी है, तो अल्फा एलटी की वैल्यू वहां पर आपको दे रखी है, लैम्बडा एलटी का फॉर्मूला आपको वहां पर दे रखा है, बीटा पी इंटू जेड पी इंटू जेड पी इंटू एफवाई डिवाइड बाय एमसीआर। अब यहां पर एक और नई टर्म आ चुकी है एमसीआर, तो एमसीआर क्या होता है, एमसीआर का फॉर्मूला आपको दे रखा है दैट इज नथिंग बट अभी फाइव स्क्वायर इंटू ई इंटू ये जो फॉर्मूला पूरा दे रखा है उसके अंदर आपको एक कांस्टेंट ऐड करना है, और ये कांस्टेंट आपको जो एनेक्सर ए है आपका ई वहां से आपको मिल जाएगा, आप अगर आईएस कोड 800 आपका उसके अंदर पीछे जाओगे तो वहां पर आपको लिखा है उसका कि भाई टेबल नंबर 42 है उसके अंदर, ठीक है वहां पर आपको मिल जाएगा 130 पेज नंबर के ऊपर। C1 की वैल्यू आपको 1.32 ले लेनी है, वहां से C1 ले लिया, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता है कि भाई हमारे पास RY क्या होता है, तो IY / A होता है, तो IY / A हमने निकाल लिया, TF मतलब थिकनेस ऑफ फ्लेंज होगी हमारी, हाइट HF मतलब हाइट ऑफ फ्लेंज हो जाएगी हमारी, ठीक है उसके बाद LT मतलब पता है कि भाई 1L होता है, तो ये सारी वैल्यूज रख के हमने MCR निकाल लिया, MCR की वैल्यू रखी हमने लैम्बडा LT निकाल ली, लैम्बडा LT की वैल्यू निकाल ली हमने, उसके बाद फाइव LT निकाल ली, फाइव LT निकालने के बाद हमने काई LT निकाल ली, काईएलटी निकालने के बाद हमने एफबीडी निकाल लिया, एफबीडी की वैल्यू हमने एमडी के अंदर रखा और एमडी की वैल्यू हमने निकाल ली, ये डिजाइन मोमेंट आ गई, डिजाइन मोमेंट हमारे पास आ चुकी है दैट इज नथिंग बट एमडी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 777.86 और ये जो है हमारी रिक्वायर्ड से ज्यादा है 681 हमारी थी 85 सॉरी, तो ये रिक्वायर्ड थी, ये रिक्वायर्ड थी, ये प्रोवाइडेड है, मतलब प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, इट मींस दैट इट इज सेटिस्फाइंग द चेक एंड इट विल नॉट बकल अंडर द वर्किंग लोड, वर्किंग लोड ठीक है सॉरी वर्टिकल लोड, हमारा जो लोड आ रहा है उसके अंदर ये बकलिंग नहीं होगा, बीम इज सेफ अंडर वर्टिकल लोड, ठीक है ये हमने देख लिया। अब अगर हम बात करें टॉप फ्लेंज के बारे में, एम डी वाई के लिए क्या होगा, तो वो एम डी वाई के लिए फिर से वही आपको जो एफ वाई बाई जेड वाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है वो आपको वहां लगा दो, उसके अंदर आपको कोई बड़ी बात नहीं करनी है, इसके अंदर फिर से कंबाइन कैपेसिटी चेक कर लो, 130 पेज पर टेबल पर समझाओ सर, अच्छा 130 पेज नंबर पर समझा देता हूं आपको, चलो 130 पेज नंबर है आपके पास, ठीक है तो देखो 130 पेज नंबर जो है इसके अंदर आपको टेबल नंबर 42 दे रखा है कंक्लूडेड, इसके अंदर जो आपका कांस्टेंट निकाला है, कांस्टेंट लेना है ठीक है, वो कांस्टेंट डिपेंड करता है आपके सपोर्टिंग और लोडिंग कंडीशन के ऊपर, ठीक है क्योंकि हमारा जो लोडिंग सपोर्ट है, लोडिंग है हमारा वो सिंपली सपोर्टेड है और यूडीएल हमारे मोस्ट ऑफ लोड इसके अंदर यूडीएल है, पॉइंट लोड कुछ है, तो यहां पर इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो पहला जो हमारा केस होगा, ठीक है उस तरह से बनेगा, समझ में आई बात को, इसके लिए हमने जो C1 ले रखा है यहां पर वो यहां पर 1.132 ले रखा है ओके, C2 C3 वगैरह इसके कांस्टेंट के यहां पे कोई मायने हमें हमारे पास नहीं है, ठीक है इसको हमें कंसीडर नहीं करना है ओके। इसके लिए देखो आपको एनेक्सर ई दे रखा है थोड़ा सा, उसके अंदर अगर आपको पढ़ना है और ज्यादा कि भाई C1 C2 C3 ये फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग एंड इंस्टेंट कंडीशन हमारे पास, क्योंकि ये इलास्टिक क्रिटिकल मोमेंट ऑफ सेक्शन जो सिमेट्रिकल अबाउट माइनर एक्सिस होती है उसका केस नहीं है इसके अंदर, इसलिए हमने क्या किया C1 C2 वगैरह को हमने कंसीडर ना करते हुए सिर्फ C1 को कंसीडर किया है, हमने K को भी कंसीडर, ये जो फॉर्मूला आपको यहां पर पेज नंबर 128 के ऊपर दे रखा है हमने वो फॉर्मूला कंसीडर ना करते हुए हमने जो एमसीआर का फॉर्मूला हमें पहले दे रखा था, ठीक है एमसीआर का फॉर्मूला हमें दे रखा था कि भाई द इलास्टिक क्रिटिकल मोमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेटरल टॉर्सनल बकलिंग, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बकलिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटी चेक कर रहे थे, इसलिए हम एमसीआर का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर इसके अंदर आप C1 को कंसीडर नहीं करते देन इट इज ओके,
अगर आप सीवन को यहां पर कंसीडर नहीं करते तो भी चलेगा, बिकॉज हाईएस्ट कोर्ट का प्रोविजन यहां पे सीवन के लिए नहीं है, लेकिन पता नहीं उन्होंने सीवन को मल्टीप्लाई क्यों कर रखा है यहां पर, ठीक है। वैसे आप नहीं करो तो भी चलेगा, इसमें आपको कोई गलत नहीं दे सकता है, बिकॉज इट इज एज प्रोवाइडेड बाय द हाईएस्ट कोर्ट इन पेज नंबर 128 क्लॉज नंबर E.E.1.1B के अंदर, देखो ठीक है। तो ये आपको यहां पर प्रोवाइड कर रखा है ना। तो यहां से आपको जो सिर्फ सीवन अगर लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा 1.3132, वरना अगर नहीं लेना है तो आप उसको नहीं भी ले सकते हो। ओके, समझ में आई बात मेरी आपको सुमंत, ठीक है। तो इस तरह से आपको वहां से लेनी है वैल्यू। बाद में हम क्या कर रहे थे, हाँ, हमने एमडी एमजेड देख लिया, एमवाई देख लिया, बायएक्सियल मोमेंट जो है बेंडिंग मोमेंट, मैं आप हमारे बुक के अंदर बात कर रहा हूं, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको पूरा ये कि कंबाइन कैपेसिटी किस तरह से चेक की जाती है। तो कंबाइन कैपेसिटी हमने इसकी देख ली भाई, बकलिंग के लिए किस तरह से की जाती है। अच्छा, इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो यहां तक तो बताइए मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो बताइए, पूछिए मुझे, वरना अगर क्लियर है यहां तक तो फिर हम अगर आगे शेयर कैपेसिटी के ऊपर आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताइए। चलिए ओके सर, नेक्स्ट स्टेप जिगर को नेक्स्ट स्टेप करना, चलो अच्छी बात है। और कोई एनीबडी एल्स, आपने जो भी राय है बताइए मुझे। हरिअप, चलिए तो हम नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं, ठीक है ओके। तो अब हमारे पास होता है शेयर कैपेसिटी चेक करने के लिए। तो शेयर कैपेसिटी के लिए जो है आपको वहां पर आईएस कोड के अंदर पेज नंबर 59 के ऊपर वही फॉर्मूला दे रखा है, एवी इनटू एफवाई डिवाइड बाय अंडर रूट 3 गामा m0। एवी के अंदर जो आपका क्योंकि रोल्ड सेक्शन है तो इसके अंदर जो एरिया हो जाएगा वो एच इंटू TW हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास एरिया मिल गया हमें, उसके बाद FYM पता है 250 है, एंड हमें अंडर रूट 3 की वैल्यू बताइए, सब पता है। तो हमने यहां पर शेयर निकाल लेना है, ये जो वीडी आ रहा है ये 944 आ रहा है, 0.6 वीडी मतलब ये आ रहा है हमारे पास 566 आ रहा है, तो 6 VD is greater than required VD, मतलब required जो हमारे पास जो shear था maximum reaction 471 था, तो required से ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है इसकी capacity, मतलब ये shear के अंदर safe रहेगा। अब local buckling of web होती है या नहीं होती है ये हमें चेक करना है, crippling मतलब जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो ये होती है नहीं होती है, अब ये चेक करना अगर करना है तो कीजिएगा, वरना कोई जरूरत नहीं है इसकी। अगर फिर भी करना चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। आपको करना क्या है, वही हमें जो पेज नंबर 67 के अंदर जो हमने पहले हम स्टीफनर के लिए किया करते थे, हमारे सॉरी प्लेट गर्डर के अंदर, ठीक है, बकलिंग चेक हम किया करते थे, तो हमारे जो बकलिंग रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, B1 प्लस N1 इनटू TW इनटू FCD, ये जो हम किया करते थे, तो वहां आपको अगर करना है तो ये कर लीजिएगा, वरना अगर इसको आप स्किप करना चाहते हो देन यू कैन स्किप इट, एंड आई विल रिकमेंड यू टू स्किप दिस स्टेप, आई विल रिकमेंड, ठीक है। तो ये 0.6 VD क्या है, 0.6 VD इज द फैक्टर्ड शियर, 0.6 VD इज द फैक्टर्ड शियर फोर्स, ठीक है, ये आपको IS कोड में भी दे रखा है, ओके, 0.6 VD आपका फैक्टर्ड शियर होता है। चलिए तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, फैक्टर्ड शियर मतलब ये इसके अंदर उन्होंने इसको माना है कि भाई ये कम हो रहा है, ठीक है, ये कम है मतलब इससे कम आपका दूसरा नहीं होना चाहिए ऑलरेडी, ठीक है, फैक्टर्ड शियर में से, फैक्टर्ड शियर मतलब ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू, ये इसमें जो 0.6 दे रखा है, अगर आप IS कोड के अंदर जाओगे, IS कोड के अंदर जाओगे आप, मैं बताता हूं आपको, चलिए ये सारे प्रोविजंस आपको IS कोड में दे रखे हैं, अगर आप IS को उसको पढ़ना सीख जाओगे तो आपको पता चले। पेज नंबर 53 के ऊपर जाइए, पेज नंबर 53 के ऊपर जाइए, 8.2.1.2 में दे रखा है आपको, व्हेन द फैक्टर्ड डिजाइन शियर डज नॉट एक्सीड 0.6 VD, ठीक है, डज नॉट एक्सीड 0.6 VD, वेयर VD इज द डिजाइन शियर, मतलब डिजाइन शियर आपका 0.6 VD से एक्सीड नहीं करना चाहिए, सॉरी मतलब हाँ वही 0.6 VD एक्सीड नहीं करना चाहिए, डिजाइन शेयर मतलब योर 0.6 VD शुड बी ग्रेटर देन डिजाइन शेयर, इसका मतलब ये, ठीक है, तो ये आपको वहां पे दे रखा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो 9th स्टेप आपका है इसे आप स्किप कर दीजिए, ओके, गॉट इट, एग्जाम के अंदर भी आप यही फॉलो कीजिएगा, 9th स्टेप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो 9th स्टेप हमने स्किप कर दिया, उसके बाद हमारा जो वेल्ड आता है तो वेल्ड के अंदर भी वही चीज है, हमने जो पहले कर रखी है वेल्ड के अंदर, हमने पहले तो रिक्वायर्ड जो स्ट्रेंथ होती है QW इज इक्वल टू V इनटू A इनटू Y बार डिवाइड बाय IZ, तो हमारे पास V हमें पता है मैक्सिमम शियर हमारे पास जो निकला है वो, ठीक है, इनटू एरिया हमें पता है उसका, और इनटू हमें क्या करना है क्योंकि हम ये हमारे चैनल सेक्शन को यहां पर ये करेंगे, ठीक है, चैनल सेक्शन को डिजाइन कनेक्ट कर रहे, तो चैनल सेक्शन का एरिया होगा यहां पर इनटू हमारे पास जो वाई बार है चैनल सेक्शन का, ठीक है, वो हमें लेना है, और चैनल सेक्शन का वाई बार किस तरह से निकाला जाएगा, जो सेक्शन जो हमारा गैंट्री गर्डर का होगा उससे
हमारे चैनल सेक्शन की सीजी, ठीक है, ये आप जरा अपने उस फिगर के अंदर देख के समझ जाइएगा इसको, ठीक है। कंफ्यूज यहाँ पर वाइबर ले लिया, आई जेड हमें पता है, ओके आई जेड हमें पता है, तो हमने ये सब चीजें निकाल ली यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हमारे हिसाब से एज्यूम कर लेंगे 5 mm 6 mm जो भी आपको यहाँ पर करना है, एजम्पशन लेके आप कैपेसिटी 1 mm जो होती है उसके हिसाब से यहाँ पर प्रोवाइड, मतलब वही हमारा जो वेल्ड का कंसेप्ट हमने प्लेट गर्डर के अंदर सीखा था सेम यहाँ पर वो आपको लागू होता है। और मैं आपसे विनती करूंगा कि जिन लोगों ने प्लेट गर्डर को नहीं पढ़ा हमसे आसानी से अच्छी तरह से, वो लोग प्लेट गर्डर को एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर जो डिजाइन का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है वेल्ड का, वही डिट्टो और सेम कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पर हो रहा है तो घबराइएगा मत, डिट्टो चीज जो मैंने आपको कहा है उसी को फॉलो कीजिएगा। डिजाइन रिक्वायर्ड जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो निकाल लो, आप 1 mm के लिए प्रोवाइड कर दो, उसके बाद उसकी जो भी आप लेंथ वगैरह प्रोवाइड करना चाहते हो दैट यू कैन प्रोवाइड ओवर हियर, ठीक है। इसमें आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। और मैंने बताया आपको कि 11th स्टेप को आपको स्किप कर देना है, मतलब देखो एक तो आपको 9th स्टेप और 11th स्टेप तो आप स्किप कर ही दीजिएगा, ठीक है। आपका मैंने एग्जांपल और आसान कर दिया यहां पर, और अगर आप चाहते हो कि 7th स्टेप को स्किप कर दे देन यू कैन, 7, 9 और 11 ये 3 स्टेप ऐसे है जिसे आप स्किप कर सकते हो और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, ओके गॉट इट। सब लोग सहमत हो इस चीज से? अभी कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन कहीं हो तो बताइए, पूछिए मुझे। तो ये यहां पर जो इस तरह से हमारा गैंट्री गर्डर खत्म होता है, मतलब एक एग्जांपल खत्म होता है उसका। अगर कोई चाहता हो कि सर हमें कुछ चीज फिर से समझाइए तो मैं तैयार हूं उसके लिए, अगर चाहते हो कि सर 11 स्टेप करवाइए तो मैं करवाने के लिए तैयार हूं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप 11 स्टेप को स्किप कर दीजिएगा, वेल्ड तक ही खत्म कीजिए इसे, ठीक है। आप 7th 9th और 11th इन 3 स्टेप को बेझिझक स्किप कर सकते हो व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग द एग्जांपल ऑफ गैंट्री गर्डर इन योर एग्जाम। आपकी क्या राय है बताइए मुझे, जल्दी कीजिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। आप जो भी अपनी रिप्लाई देना चाहते हो दीजिए मुझे, घबराइए मत। तो जिगर कह रहे कि नो कंफ्यूजन सर, ऑल क्लियर सर, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच जिगर और वेलकम। और मिहिर कह रहे हैं कि सर वाई बार एक्सप्लेन कर दो एक बार, वाई बार कौन सा हमारा, वाई मैक्सिमम की बात कर रहे हो आप, कि ये हमारे जो डिजाइन इसका अंदर जो हमने देखा अभी वेल्ड के अंदर वो वाई बार की बात कर रहे हो आप मिहिर, आप वाई बार। अच्छा सुमंत आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और थैंक यू, आपने हमें अप्रिशिएट किया। तो मिहिर आप किस वाई बार की बात कर रहे हो, वेल्ड के अंदर जो वाई बार है उसकी बात कर रहे हो? चलिए मिहिर का सवाल मैं समझ गया हूं, ठीक है, मैं मिहिर के लिए वाई बार को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि वाई बार क्या है, जस्ट बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग और कनेक्टिंग द चैनल सेक्शन टू द फ्लेंज ऑफ अवर आई सेक्शन, है ना मिहिर, तो हम क्या करेंगे इसमें वाई बार कंसिडर कर लेते, ठीक है। चलो मेहर वाई बार वही जो वेल्ड में डिजाइन करना है वो, जरा आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए फटाफट, हरी अप। और ना पता चले कि आप किसी और ही वाई बार की बात कर रहे हो। सर कल सेकंड एग्जांपल का ओवरव्यू करवा दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं, कल जो डबल क्रेन वाला एग्जांपल है 10th स्टेप वाला, हाँ मतलब वही डिजाइन वाला, डिजाइन ऑफ वेल्ड वाला, ठीक है ना, ओके। तो देखो डिजाइन ऑफ वेल्ड क्या है, वाई बार इसके अंदर क्या हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ड्रॉ करके, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है ये वेब सेक्शन है, इस तरह से हमारा जो है ये इसका फ्लेंज सेक्शन है, ये बॉटम फ्लेंज है इसका, ठीक है, इसको तो खैर अभी जरूरत नहीं है। ये हमारा जो है इस तरह से चैनल सेक्शन है, ठीक है, हमारा चैनल सेक्शन हो गया। अच्छा ये थोड़ा मुझे इधर से लेना पड़ेगा, ये हमारा जो इस तरह से चैनल सेक्शन है, ठीक है। अब ये किस वाई बार की बात कर रहे हैं तो देखो मैं आपको बता देता हूं, ये वाई बार हमें बताया कि चैनल सेक्शन जो है इसकी सीजी कहां पर है, यहां से 23.6 की सीजी है, ठीक है, ओके 23.6 सीजी है, ओके। हमें पता है कि हमारा जो सेक्शन है
ये जो हमने पहले फिगर ड्रॉ कर रखी है, मैं बताता हूँ आपको उसके अंदर। हाँ, तो हमारा जो पूरा सेक्शन है गर्डर, ठीक है, उसका जो सीजी है, आप एक काम कीजिए, हमारी बुक के अंदर जो पेज नंबर 347 के ऊपर जो फिगर दे रखी है ना, फिगर 5.1.8 सेक्शन ऑफ गैंट्री गर्डर, ठीक है, तो उस सेक्शन के अंदर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। उस सेक्शन के अंदर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अच्छा, मैं आपको एक आसान बता देता हूं, वाई बार इज नथिंग बट इट इज एच टू, इट इज एच टू, मतलब हमारे सेक्शन की सीजी से, पूरे सेक्शन की सीजी से चैनल सेक्शन का सीजी का डिस्टेंस एच टू, जो मैंने बताया था आपको, दैट इज वाई बार, दैट इज एच टू इज इक्वल टू वाई बार, अगर आसान भाषा में आपको समझाओ तो मिहिर, ठीक है ना। हमें पता है कि ये उस ये सारा कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखा है बाय द वे, ठीक है, ये हमारा 243 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 243.39 था, ये जो है अभी 243.29 माइनस 23.6 विच इज इक्वल टू योर वाई बार। मेर आई थिंक ये तो बहुत आसान चीज है, आप यहां पर जो है समझ गए होगे कि ये क्या है वाई बार, इट इज नथिंग बट एच टू, इट इज नथिंग बट एच टू, ठीक है मिहिर, डिड यू गॉट दैट और नॉट, ये तो और आसान हो गया, ठीक है। आप लोगों के रिप्लाई मुझे बहुत लेट मिल रहे हैं मिहिर। सर लोकल कैपेसिटी में जो इक्वेशन कोड में है कहाँ, अच्छा लोकल कैपेसिटी में जो इक्वेशन है कोड में कहाँ है, एक मिनट बताता हूँ आपको मैं वो भी। अच्छा गैंट्री गर्डर आपको लगा बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ आपको लगा ऐसा कि गैंट्री गर्डर बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा सर, ये क्या करवा दिया आपने, ऐसा कुछ लगा आपको? और ये सुमंत का जो जवाब है मैं देता हूँ, लोकल मोमेंट कैपेसिटी, ये आपको आईएस कोड में पेज नंबर जो है 53 के ऊपर मिलेगा, लोकल कैपेसिटी जो इक्वेशन है आपका, ठीक है, वो आपको पेज नंबर 53 के ऊपर मिल जाएगा। वेरी गुड जिगर, वेरी गुड, आई एम टू हैप्पी। चलो तो पेज नंबर 53 के ऊपर जाइए, देखिए मैं जाता हूं आपके साथ साथ सुमंत, पेज नंबर 53 में जो है यहां पर पेज नंबर 53 है ये, ठीक है, ये देखो आपको ये डिजाइन मोमेंट, और ये देखो यहां पर टू अवॉइड इररिवर्सिबल डिफॉर्मेशन अंडर सर्विसेबिलिटी लोड एमडी शैल बी लेस देन 1.2 जेडई FY by gamma m0 in case of simply supported, and ये simply supported के लिए था, ठीक है, और ये इलास्टिक के लिए था, हमारे प्लास्टिक के लिए होगा, ठीक है, तो ये आपको हमारे हिसाब से यहाँ पे लेना है, तो ये आपको यहाँ से इस तरह से दे रखा है, ओके सुमन। और भी देखो ये दो, देखो ये प्लास्टिक सेक्शन के लिए देखो आपको दे रखा है, ओके सुमन, ये आपको प्लास्टिक सेक्शन के लिए दे रखा है बीटा बी इंटू, ये हमने जो बाद में निकाला था वो, ठीक है, तो इस तरह से ये सारे वैल्यूज यहाँ पे दे रखी होती है। एक जो उसका कंबाइन कैपेसिटी वाला जो चेक है ना, वो मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है, आप मुझे ग्रुप में याद दिला दीजिएगा जरा अपने, तो मैं आपको उसके पेज नंबर देख के बता दूंगा कि ये चेक हमें कहाँ दे रखा है, ओके। और जहाँ तक मुझे पता है इसमें दिया तो है वो, लेकिन कहाँ है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है वो जगह, तो मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा देखकर, वो यहाँ पर दे रखा है तो आप देख लीजिएगा उसमें से, तो फिर आपको क्या उसको, वैसे तो इतना कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है वो, कि आपको याद नहीं रहेगा, MD by MDY ऐसा कुछ फॉर्मूला है वो, ठीक है, ऐसा ही फॉर्मूला है। चलिए तो हाँ सर, कमेंट लेट मिल रहे हैं आपको, हाँ चलो ये यूट्यूब का बग है एक्चुअली, क्या है ना कि अभी फिलहाल ऐसी कंडीशन है कि हर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो भरा पड़ा है, और इसकी वजह से हर डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह के प्रॉब्लम्स, लैगिंग्स, ग्लीच वगैरह आ रहे हैं, तो हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते अभी, हम यही कर सकते हैं कि हमें एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है, बाकी तो और कुछ भी हम नहीं कर सकते। जिगर बिल्कुल, हमारा जो टारगेट है ये खत्म हो सकता है, ठीक है, वी कैन अचीव दिस टारगेट, हम लॉकडाउन खत्म होते से ही हमारा सिलेबस को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, हूँ कंबाइंड नहीं बात करूँ छू, अच्छा कंबाइंड कैपेसिटी वाला जो इक्वेशन है वो, कंबाइन कैपेसिटी कंबाइन वाला चेक मैं आपको बता दूं बाद में, मैंने आपको बताया ना कि कंबाइन जो इक्वेशन है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे, एक्चुअली मैंने कोशिश आपसे पहले ही कर ली थी, मैं सोच रहा था कि कल हमारा गैंट्री गर्डर खत्म हो जाना चाहिए था,
लेकिन वो एक दिन जो है हमें हमारा इंटरनेट नहीं चला, उसने धोखा दे दिया, और दूसरे दिन जो है आप लोगों की कैपेसिटी खत्म हो गई समझने की, समझाने की, तो फिर हमने वो ख़त्म कर दिया वहाँ पर, एक दिन वहाँ एक्स्ट्रा हो गया, वरना आज हम जो है वो फूड कर रहे होते, है ना। खैर कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम गैंट्री गटर का जो सेकंड एग्जाम्पल है डबल क्रेन वाला, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। वैसे उसके अंदर अलग कुछ नहीं है, ठीक है, वही चीज़ है सब कुछ, वो स्टेप वगैरह सब कुछ सेम है। अच्छा आप अगर चाहते हो तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूँ उसको, और फिर उसे, या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से ही देखें, क्योंकि उसके अंदर वही चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप चाहते हो तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको मैं, इफ़ यू वॉन्ट। फिर नए लेक्चर से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। सर 8th सेम के GTU एग्जाम में एंड में होती है या मई के फर्स्ट वीक में, ये डिपेंड करता है, ठीक है, मई के फर्स्ट वीक में होती है ज़्यादातर, तो मई के फर्स्ट वीक में होती है, लेकिन ये फिर चेंज भी हो सकता है। इट इज़ नॉट दैट फिक्स्ड कि ये एंड में ही होगी, इट इज़ नॉट लाइक गेट एग्जाम के ये फरवरी के स्टार्टिंग में होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सब कुछ, उनका जो करिकुलम होता है ना वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, और अभी तो क्योंकि थोड़ा उसमें भी प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ तो देखो मैं आपको जो है बता दूं कि भाई हमारा डबल गैंट्री गर्डर वाला जो एग्जाम्पल है, ठीक है सर, आप बहुत बेस्ट तरीके से समझाते हैं, ओके थैंक यू सो मच सुमंत, इस हौसला अफजाई के लिए, इस अप्रिसिएशन के लिए आई एम थैंक यू सो मच, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो मुझे। खैर गेंट्री गटर का जो सेकंड एग्जाम्पल है, इसके अंदर आपको डबल क्रेन की बात कर रखी है। तो भैया देखो डबल क्रेन के अंदर मैं आपको बताऊं तो डबल क्रेन में सारे के सारे स्टेप्स वही है, बस फर्क है कि आप एक क्रेन के लिए मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन कर रहे थे, यहां पे डबल क्रेन के लिए कैलकुलेशन हो जाएंगे, दैट इज ऑल। और मैंने आपको बताया कि मोमेंट, अगर मैक्सिमम मोमेंट निकाल रहे हैं तब भी आपको जो है डबल क्रेन को एज अ व्हील लोड निकालना होगा, मैंने आपको बताया था पहले से ही, ठीक है। एक काम कीजिएगा, आप डबल क्रेन का जो एग्जाम्पल है उसे आप अपने हिसाब से पहले देखिएगा, ठीक है, डबल क्रेन वाला एग्जाम्पल आज इस क्लास को खत्म होने के बाद उसे अपने हिसाब से देखिएगा। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो, जो भी जिसको जहां पे कंफ्यूजन हो रहा है वो ग्रुप में लिखो, हम क्या करेंगे उस कंफ्यूजन को वहां पर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो खत्म करेंगे, ठीक है। क्या है ये NLY फॉर फिगर डिटेल में एक्सप्लेन करिए, मतलब समझा नहीं कुछ में, NLY व्हाट इज दिस NLY, जिगर प्लीज जरा इसको, अच्छा ओनली ओनली, अच्छा ओनली ओनली फॉर फिगर डिटेल, अच्छा एक काम करो, वैसे तो इसमें कुछ नया नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं अभी आपको क्या बता रहा था कि आप अपने हिसाब से खुद जो है इस एग्जाम्पल को देखिएगा, और जो हमने पहला एग्जाम्पल किया है उसी रिस्पेक्टिव से देखिएगा, ठीक है। चलो ठीक है मैं समझा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूँ। चलो बुक अपनी ओपन कीजिए फटाफट, वहाँ पर मैं आपको ऊपर ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ उस चीज़ को, ठीक है, बुक ओपन कीजिए अपनी। चले देखो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, डिजाइन अ गैंट्री गर्डर टू कैरी टू इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ओवरहेड क्रेन ट्रैवलिंग इन टेंडम, टेंडम का मतलब होता है एक साथ आगे पीछे चलना, ठीक है, हैविंग फॉलोइंग डेटा, इसके डेटा यहाँ पर दे रखे हैं, क्रेन कैपेसिटी वो दे रखी है 200 ईच, एक क्रेन की कैपेसिटी, वेट ऑफ क्रेन गटर आपको 180 दे रखा है, व्हील स्पेसिंग आपको मतलब व्हील बेस दे रखा है 3.2 मीटर, वेट ऑफ क्रेब आपको 50 किलोन्यूटन का दे रखा है, स्पेस स्पान ऑफ क्रेन बिटवीन रेल्स, ठीक है, तो ये आपको स्पान ऑफ क्रेन दे रखा है दैट इज 16 मीटर का, और मिनिमम एज डिस्टेंस मतलब ये आपको हुक डिस्टेंस दे रखा है दैट इज हुक अप्रोच दे रखा है आपको 1.2 मीटर, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन टू क्रेन्स, तो ये दो क्रेन के बीच का 2 मीटर का डिस्टेंस आपको दे रखा है, और स्पान ऑफ गैंट्री गटर आपको दे रखा है 8 मीटर का, वेट ऑफ रेल आपको दे रखा है 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर, और हाइट ऑफ रेल सेक्शन आपको दे रखा है 75, हाइट ऑफ रेल सेक्शन से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपको ये सवाल दे रखा है, अब इसमें जवाब में क्या होगा, सबसे पहले तो हम एक क्रेन के लिए, बिकॉज दोनों क्रेन एक जैसी है, दोनों का जो क्रेन कैपेसिटी है वो एक जैसी है, तो पहले एक क्रेन के लिए हम यहां पर जो जिस तरह से हमने पहले किया था एग्जाम्पल के अंदर लोड कैलकुलेशन वगैरह वो कर लेंगे, ठीक है, वो हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
एक क्रेन के लिए हमने कर लिया, ठीक है भाई, कि मैक्सिमम हुक अप्रोच क्या है, टोटल वेट क्या है, वेट ऑफ गर्डर हो गया हमारे पास, मोमेंट हमने ले ली, हर एक लोड पे हमने जो ले लिया वो वही मतलब 200 आ रहा है, मतलब 300 के आसपास हमारा आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली फैक्टर्ड लोड ऑन ईच व्हील ऑफ द सेकंड व्हील इज क्रेन इज एट द क्रेन, मतलब जो हमारा पहले क्रेन के अंदर हमने जो फैक्टर लोड निकाला व्हील लोड वो 301 था, तो सिमिलरली दूसरे के लिए भी मतलब व्हील लोड हमें मिल गया। इस तरह से हमने एक के लिए कैलकुलेट किया, दूसरे के लिए अप्लाई कर दिया सिमेट्रिसिटी के कारण। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट के अंदर क्या होता है यहां पर कि मैंने आपको बताया था कि बेंडिंग मोमेंट के अंदर क्या हुआ था भाई कि मान लीजिए हमारा ये स्पान है, ठीक है, और ये हमारा जो है सपोर्ट है, ये हमारा सेंटर है, तो आपका व्हील जो है एक यहां पर है, एक दूसरा यहां पर है, ये आपका पूरा दोनों व्हील का डिस्टेंस है आर, तो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगी, जो आपके सीजी से व्हील नजदीक होगा वहां पर होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक क्रेन यहां पर रखनी है, एक क्रेन यहां पर रखनी है, अगर ये क्रेन बाहर चली जाती है तो भी उसका कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन के अंदर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो वो आपको जो है क्या करना है, बस इस तरह से ये एक क्रेन, तो यहां पर आपको जो है ये जो लोड आ रहा है, मतलब जब आप मोमेंट कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, रिएक्शन वगैरह, तो ये आपको लोड कैलकुलेशन करना बढ़ जाएगा, दैट इज ऑल, बाकी जो दूसरी नई चीज है वो तो कुछ है नहीं, ठीक है इसके अंदर। तो हमने क्या करना है यहां पर कि इस तरह से ये सारे लोड निकाल लेने, ठीक है, हमने यहां पर मोमेंट निकाल ली, ओके, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, समझ में आएगा आपको, कोई मुश्किल चीज नहीं है, वही चीजें हैं, कंसेप्ट वगैरह वही है, बस आपने आपको इन्होंने एक क्रेन बढ़ा दी है और उसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वरना नई चीज इसके अंदर कोई नहीं है, ओके। तो हमने क्या किया कि भाई हमने मोमेंट निकाल ली, मैक्सिमम मोमेंट हमारे पास आ चुकी है, डायग्राम ड्रॉ कर लो, करना हो तो, वरना कोई जरूरत नहीं है डायग्राम ड्रॉ करने की। फिर हमने क्या किया कि मैक्सिमम शियर हमें निकालना है, तो वही फिर से चीज दोहरानी है आपको, ठीक है, कि भाई जो हमारा सपोर्ट के ऊपर आ रहा है वहां पर जो है आपको मैक्सिमम वो मिलेगा रिएक्शन, ठीक है, तो आपको इस आर ए के ऊपर जा रहा है तो आर ए के ऊपर हमने कैलकुलेट कर लेना, हमें मैक्सिमम मिल जाएगा। फिर आपको जो हॉरिजॉन्टल के लिए निकालना है कि भाई सर्ज लोड और ब्रेकिंग जो लोड है उसकी वजह से मोमेंट निकाल लीजिए, वो हमने पहले किया था। उसके बाद सेम चीज़ वही करनी है आपको, सेक्शन सेलेक्ट कर लो, आप सेक्शन सेलेक्ट कर लो, तो यहाँ पर एल बाय 12 देख लो, एल बाय 12 देख लिया हमने, एल बाय 12 यहाँ पर आ रहा है हमारे पास कि भाई 666, ओके। अब यहाँ पर देखो एल बाय 12 हमारे पास 600, आप इसको जो है 700 ले सकते हो, 750 ले सकते हो, 800 ले सकते हो। अब ये जो है आपका रोल्ड सेक्शन नहीं बनेगा, अब ये क्या बनेगा आपका बिल्ट अप सेक्शन बनेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटी हो गई है रोल्ड सेक्शन की वो खत्म हो गई है, ये 666 आ रहा है। अब डायरेक्ट इसको आप 600 कर लोगे तो 50 का डिफरेंस आ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। हमने पहले वैसे तो 625 आ रहा था तो हमने 600 लिया था, ये 670 के करीब आ रहा है तो हम इसका इतना डिफरेंस नहीं ले सकते। तो यहां पर उन्होंने क्या लिखा, 850 जो है वो उन्होंने पूरा गर्डर ले लिया। अब आप 850 लो तो भी चलेगा, आप अगर 800 ले लेते हो तो भी चलेगा, आप अगर 750 ले तो भी चलेगा, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको भी 800 लेना है। तो हमने यहाँ पर एजम्पशन ले लिया कि भाई 850 ले लिया, उसके बाद इसकी जो फ्लेंज विड्थ है वो भी यहाँ पर एज्यूम कर ली, तो और जो रिक्वायर्ड जेड पी थी वो निकाल ली जो हमने पहले निकाला था, ठीक है, इसके अंदर तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सिंस जेड पी रिक्वायर्ड इज लार्ज, जेड पी ऑफ रोल्ड सेक्शन आई सेक्शन मैक्सिमम इज 431 वेल्डेड प्लेट गर्डर डिजाइन फॉर अ गैंट्री गर्डर एज्यूम प्लेट। अच्छा देखो इसकी जेड पी ज्यादा हो रही है इसके हिसाब से, तो यहां पर हमने क्या करना है भाई, क्योंकि यहां पर ये पूरा जो है हमने वेब को अलग लिया, फ्लेंज को अलग लिया, ठीक है, और इसकी जेड पी जो है वो ज्यादा हो रही है, क्योंकि रोल्ड आई सेक्शन अवेलेबल इज मैक्सिमम फॉर 4341 आईएस के हिसाब से। अब वेल्डेड प्लेट गर्डर इज डिजाइन फॉर द गैंट्री गर्डर, मतलब वेल्डेड प्लेट गर्डर जो है हम गैंट्री गर्डर के लिए डिजाइन करेंगे, मतलब इसके लिए एक अलग से आपका रोल सेक्शन नहीं मिलेगा आपको, आपको एक वेल्डेड प्लेट गर्डर, हमने जो प्लेट गर्डर की डिजाइन की थी ना, अब वो डिजाइन यहां पर आपको फिर से करनी है, दोबारा वही करनी है, इसके अंदर कोई नई चीज है नहीं। अब ये सारी जो है आपको प्लेट गर्डर की डिजाइन शुरू हो जाती है, ओके। इसमें फिर से क्या करना है आपको, एरिया ऑफ फ्लेंज निकालनी, कितना रिक्वायर्ड है जो हमने पहले किया था उसके अंदर प्लेट गर्डर में, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लेंज आ गया तो फ्लेंज की रिक्वायरमेंट हो गई आपको, वेब हमने पहले से कंसिडर कर रखा था कि भाई 800 तो भी चलेगा, 800 mm बाय 16 ले तो भी चलेगा, 14 ले तो भी चलेगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आगे चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने क्या किया, वेब सेक्शन पहले एज्यूम कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फ्लेंज सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फ्लेंज सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी रिक्वायरमेंट देखी कि चेक, वो हम पहले प्लेट गर्डर में किया करते थे, मिनिमम वेब थिकनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो दो हुआ करती थी यहाँ पर, बकलिंग के लिए करना तो कर लीजिए वरना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो चेक कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर जो है वो जेड पी जेड वाई के लिए हम करेंगे अब, तो इसके लिए हमें वही आई जेड जेड आई वाई वाई जेड जेड वगैरह निकालना है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं शायद, ठीक है, वही चीज़ है। अगर आप हमारे हमने आपने अगर हमारे जो पहला एग्जांपल है उसको अच्छी तरह समझा होगा तो आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।
अब क्योंकि ये कंबाइन सेक्शन तो हो नहीं रहा है पूरा, ठीक है, मतलब पूरा अलग अलग सेक्शन तो दो हो नहीं रहे कि भाई हमारा आई सेक्शन अलग हो गया और चैनल सेक्शन अलग हो गया, ये पूरा मतलब एक जैसा हो रहा है, मतलब इसके अंदर फ्लैंज अलग हो गई, विच इसकी जो वेब हो गई वो अलग हो गई, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो आई जेड निकालने का तरीका हो जाएगा वो पूरा बॉक्स माइनस दिस, ये सिंपल चीज़ है, इसके अंदर कोई बड़ी बात या कोई नई चीज़ तो मुझे लगती नहीं है, ठीक है। हमने जो प्लेट गटर में करवाई थी वही सब चीज़ें, जेड ई जेड निकाल लो, आई बाय वाई मैक्स निकाल के आई वाई निकाल लो, आई वाई हमने निकाल लिया, जेड ई वाई निकाल लिया हमने फ्लेंज के लिए, जेड पी कैलकुलेशन कर लो, हमने जेड ई कैलकुलेट कर लिया, जेड पी कैलकुलेट कर लो, फिर मोमेंट कैपेसिटी निकाल लो, ठीक है। मोमेंट कैपेसिटी के लिए सेक्शन प्लास्टिक है या कॉम्पैक्ट ये देख लो, ठीक है, अगर ये प्लास्टिक होता है तो प्लास्टिक मानो, कॉम्पैक्ट होता है कॉम्पैक्ट मानो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है आपको। लोकल कैपेसिटी जो होती है वो दोनों में से जो फॉर्मूले है जेड पी सॉरी बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ वाई डिवाइड बाई गामा एम जीरो और 1.2 इंटू एफ वाई डिवाइड बाई गामा एम जीरो, तो ये दोनों वे फॉर्मूले हैं, इसको आप देखो, इसमें से जो स्मॉलर बनाते हैं इसको आपकी जो रिक्वायर्ड मोमेंट है उससे कंपेयर करो, अगर ज़्यादा है तो ठीक है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और अगर फेल हो रहा है तो फिर आपको सेक्शन जो है वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। जेड पी माटेनू प्रोविजन समझाओ ने कोड के तरीके से, अच्छा जेड पी माटे का प्रोविजन मतलब क्या है, मतलब आप क्या सोच रहे हो कि भाई जेड पी माटेनू, अच्छा सर ये सम जी टी ओ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम कह सकते हैं कि 50% हम कह सकते हैं कि इसके आने के चांसेस है दोनों में से, ठीक है, बाकी 90% तो आपका पहला ही एग्जांपल आएगा, लेकिन इनकेस अगर वो एग्जामिनर आपको चाहे कि भाई आप बहुत बार पूछ लिया हमने फर्स्ट सिंगल क्रेन वाला, दोबारा जो है डबल क्रेन को लाते हैं पिक्चर में, तो डबल क्रेन पूछ सकता है आपको, और जहाँ तक मेरा ख्याल है डबल क्रेन भी कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए आपको इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 6 माटे जेड पी माटेनू प्रोविजन समझाओ कोड के तरीके से, मैक्सिमम 6 माटे मतलब क्या, देखो इसमें प्रोविजन कोड का यही है कि भाई भी अपना सेक्शन सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको वो प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस के बेसिस पर सिलेक्ट करना होगा। प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस के लिए सिलेक्ट इसलिए करना होगा क्योंकि आपका जो मैक्सिमम फेलियर होता है वो प्लास्टिक सेक्शन के अंदर होता है, ठीक है। इलास्टिक सेक्शन का अलग होता है, प्लास्टिक सेक्शन का अलग होता है, प्लास्टिक सेक्शन को हम ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि इसका अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक सेक्शन को हम कंसिडर करते हुए सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो इसलिए हमें प्लास्टिक सेक्शन को पहले कैलकुलेट करना होता है कि कितना रिक्वायर्ड है हमारे इस मोमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब जो रिक्वायर्ड हमें मिल गया, अब उसी के बेसिस पर हम आईएस कोड में से सेक्शन सेलेक्ट करते हैं। अगर रोल्ड सेक्शन के अंदर वो जो जेडपी हमें रिक्वायर्ड है अगर वो मिल रही है तो हम रोल्ड सेक्शन को जो है सिलेक्ट करते हैं जो हमने प्रीवियस था। अगर रोल्ड सेक्शन के अंदर वो जेडपी अवेलेबल नहीं है, उससे ज्यादा जेडपी हमारे पास चाहिए हमें, तो फिर हम बिल्टअप सेक्शन के लिए जाते हैं। मतलब अब हमें क्या करना होगा कि गेंट्री गर्डर के अंदर पूरा प्लेट गर्डर डिजाइन करना होगा, मतलब फ्लैंज अलग से डिजाइन करनी होगी, वेब अलग से डिजाइन करनी होगी, और इन कंबाइन जो पूरा सेक्शन हो रहा है उसका जेडपी जो है रिक्वायर्ड जितना है उससे ज्यादा होना चाहिए, दिस इज द मस्ट कंडीशन, ठीक है। इससे ज्यादा तो मैं आपको जेडपी के लिए क्या समझा सकता हूं सुमंत, हमारे पास जो इस एग्जांपल के द्वारा हमारे पास जो जेडपी रिक्वायर्ड था वो 5580 है। अब 5580 तो हमारे पास कोई जेडपी है नहीं हमारे आईएस कोड के हिसाब से, तो हमें क्या करना था, इसलिए हमने बिल्टअप सेक्शन लिया, वेल्डेड प्लेट सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो सुमंत आपको समझ में आ गया है, मैक्सिमम अगर हमारे पास गेंट्री गर्ड सॉरी मैक्सिमम जेडपी हमें कोड में दे रखा है तो फिर जो कोड में जेडपी दे रखा है वो सेक्शन हम ले ले, अगर नहीं दे रखा है तो फिर बिल्टअप सेक्शन बना ले अलग से अपना। दैट इज अ सिंपल प्रोविजन दैट वी कैन फॉलो वाइल सिलेक्टिंग द सेक्शन। ओके सुमंत, यही बस फंडा है आपका, और क्योंकि फिर यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि भाई आप वही चीजें करनी है आपको, फिर से जेडपी निकाल लो, जेड वाई निकाल लो और मोमेंट कैपेसिटी चेक कर लो, चेक फॉर बकलिंग रेजिस्टेंस जो हमने पहले देखा वो चेक कर लो अगर करना चाहते हो तो, ठीक है। उसके बाद आप चेक फॉर शेयर कैपेसिटी कर लो, एंड चेक लोकल बकलिंग आप जो है इसकी स्किप कर सकते हो, और डिज़ाइन ऑफ वेल्ड आप जो कर सकते हो, डिज़ाइन ऑफ वेल्ड में फिर से वही चीज़ आ जाएगी VAY bar डिवाइड बाई 2IZ वगैरह, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ है भाई साहब, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके तो मैं समझता हूँ, देखो अब ये जो है इसमें भी आप सेकंड जो लास्ट स्टेप है वो स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो भाई हमने जो देखो डबल क्रेन वाला जो एग्जांपल है मैंने आपको एक छोटा सा उसका ओवरव्यू, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप अभी अपने हिसाब से इसको बैठ के शांति से देखिएगा, समझिएगा, अपनी नोटबुक के अंदर लिखिएगा, ट्राई कीजिएगा।
कहीं भी अगर कोई कंफ्यूजन, जो भी जैसे कंफ्यूजन आता है ग्रुप में लिखो, जैसे कंफ्यूजन आता है ग्रुप में लिखो, मैं सारे कंफ्यूजन आपके इकट्ठा करके रखूंगा और नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो ये सिंपल चीज होगी, मतलब मुझे सारी चीजें दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो चीज आपको जहां पर रुकावट पैदा कर रही है उस चीज को वहां पर क्लियर कर देगी। तो आपकी जिम्मेदारी पहले ये बनती है कि आप उस एग्जाम देखो, समझो, पढ़ो उसे और उसे डिजाइन करो। अगर कहीं आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो उस कंफ्यूजन को अपनी नोटबुक में लिखो या फिर हमारे ग्रुप में लिख दो, जहां भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। मैं उसका वहां पर उसको सारे डाउट आपके जमा करूंगा एक जगह और वहां से आपको एक एक जवाब का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? आप सब राजी हो इस चीज से? यस और नो? ओके, ठीक है। तो सुमन को देखो समझ में भी आ गया, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि आज हमने क्या किया, गैंट्री गर्डर का काम तमाम कर ही दिया आखिर में, है ना। वैसे सिंपल चैप्टर था, बहुत आसान चैप्टर, मैं बता रहा हूं आपको, यकीन मानिए इस बात को, बहुत आसान चैप्टर है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना होता है कि ये y1 क्या है, y2 क्या है, h1 क्या है, h2 क्या है, ymax क्या है, cg का कौन सी cg कब लेनी है, न्यूट्रल एक्सिस क्या है, इक्वल एरिया एक्सिस क्या है, सेक्शन की कंबाइन एक्सिस क्या है। तो इसका बेसिक नॉलेज आ गया आपको, आइडिया कि भाई कौन सी एक्सिस कहाँ कैसे और कितने डिस्टेंस पे होती है, दैट इट इज ऑल क्लियर, इट इज ऑल क्लियर अप टू दिस। और आप आसानी से इस पूरे एग्जांपल को लिख सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गैंट्री गर्डर। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर विल बी हमारा फुट ओवर ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा? फुट ओवर ब्रिज होगा, ठीक है। फुट ओवर ब्रिज भी बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगा बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे इसको, इससे पूरे चैप्टर को, और बहुत आसान, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है इसके अंदर, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से समझा के बताऊंगा कि ये कैलकुलेशन आपको कैसे करने हैं, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ कनेक्शन वगैरह भी आ जाते हैं फिर आगे। तो हम जो है आज इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस गैंट्री गर्डर को समझने की पूरी कोशिश की होगी, जैसे कि मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। मैंने एक एक चीज़ को आपको कई बार समझाया है, जितनी बार आपने कहा है उतनी बार समझाया है, और पूरी दम लगा के मेहनत से समझाया है। तो मुझे आपसे ये अपेक्षा है, ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब कुछ चीज़ें अच्छी तरह समझ में आई होगी, किसी चीज़ के अंदर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन या क्वेरी नहीं रही होगी। फिर भी अगर कोई रह जाती है, कभी अगर आधी रात को कोई क्वेरी या कुछ निकल आता है बाहर, तो आप मुझे एनी टाइम उस सवाल को पूछ सकते हो, मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। और सुमंत कह रहे हैं कि सर कल कितने बजे क्लास रखना है? कल मैं आपको 4 बजे ही क्लास रखे क्या अपन, ठीक है कल भाई, क्योंकि ईटैप्स वाले जो है वो मान नहीं रहे, वो कहते हैं कि हम 9 बजे क्लास हमारी ठीक है। अभी बीच में कल जो है, आज सुबह मतलब कल रात को ये डिस्कशन हो रहा था उनका कि सुबह रखो या दोपहर को रखो, ऐसा कुछ चल रहा था, लेकिन अभी जो है वो फाइनली सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर फिर से आ गए रिटर्न, और वो कह रहे हैं कि 9 बजे का रात का हमारा सेशन होना चाहिए। तो 9 बजे का हमारा ईटेप्स वालों का सेशन होगा, 4 बजे हमारा डीएसएस वालों का सेशन होगा, ठीक है। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर कल 4 बजे आपसे मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ। और मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है सब लोग अभी इस सेशन को ख़त्म करने के बाद गैंट्री गर्डर का सेकंड जो एग्जांपल है उसको एक बार ज़रूर देखोगे, ठीक है। और मुझे ग्रुप में शायद कुछ आपके डाउट मिलेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे। अगर नहीं मिलते तो मैं इसका मतलब ये समझूंगा, या तो आपको वो अच्छी तरह से आ गया या तो फिर आपने उसको देखा ही नहीं, दो ऑप्शन में समझूंगा, ठीक है। खैर जो भी है, तो चलिए बस आज की इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं आपसे अलविदा कहता हूँ, फिर हम कल मिलेंगे, ठीक है। बड़ी शिद्दत के साथ, मिन्नतों के साथ, मेहनत के साथ हमने इस गैंट्री गर्डर को ख़त्म किया है, तो आप इसको भूल मत जाइएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं चलता हूँ फिर, अब आपके रिप्लाई मुझे नहीं मिल रहे, अब तक लेट आ रहे हैं, तो जो भी रिप्लाई है आपके मैं रिप्लाई देख लेता हूँ, बाद में मैं ऑफलाइन हो जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, आपने कुछ लिखा भी है या नहीं, मैं वैसे अभी वेट कर रहा हूँ। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर।